यहाँ से अगर हम मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो अपने को तीन रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी, यही तीनों जगह सफिशियंट रहेगा, मोर देन सफिशियंट है, इतना ही पढ़ लेना, इससे बाहर कुछ भी पढ़ने की जरूरत कभी पड़ेगा नहीं। एक तो हम लोग अपना ACM पढ़ेंगे, नया वाला, कोई भी पुराना नहीं लेगा, और पुराना भूल जाओ बिल्कुल, ठीक है। और सेकेंड अपना रहेगा रीसेट का नोट्स, जिसका नंबर 9 है, मेरे ख्याल से सबके पास होगा, ना होगा तो अभी हम ग्रुप में डाल भी देंगे। और तीसरा है कैमटेक, जो अपना ग्वालियर में ही है, उसका पंपलेट आता है, ये मेंटेनेंस से रिलेटेड पंपलेट निकालते हैं, तो उनका IPS पे एक है, तो तीनों हम अभी कवर कर लेंगे जितना कर पाए 2.5 घंटे में, अदरवाइज वो हम तीनों ग्रुप में डाल देंगे, बाकी किसी को कुछ होगा पूछना तो पूछ ले। अच्छा, इसमें से जो मेन टॉपिक है इरिस से अपने एग्जाम के व्यू से, तो हाँ प्रवीण सर, आवाज कट रही आवाज कट रही है, है। घर पे तो यार नेट ठीक आ है, रही आवाज है। है, अगर ठीक है अभी तो, खैर घर पे अब वाईफाई पे है यार, इससे अच्छा नेट तो मिलेगा नहीं। हाँ, चलिए बराबर आ रही है सर। चलो ठीक है, तो इसमें हम लोग ना, मेरे पास काफी प्रेजेंटेशन बहुत डिटेल में है, चैप्टर वाइज है, S9 का जो बुक है, ठीक है, ये जो अपने पास देखो बुक सबके पास हो ना हो, ये खुला है मेरे पास कहाँ, यहाँ पे, ये S9 जो इरिसेट का स्टैंडर्ड बुक है, ये इसमें से बाहर से क्वेश्चन बहुत कम ही केसेस में आएंगे तुम्हारे, तो उसी का है प्रेजेंटेशन मेनली, 1.5 कुछ हो सकते हैं प्रेजेंटेशन में, कहीं गलती भी हो तो प्रेजेंटेशन को ऑथेंटिक मत मानना, उसमें कुछ हो सकता है डेटा थोड़ा बहुत इधर हो, जो इरिसेट बुक में है वो ऑथेंटिक डेटा है, उसके साथ साथ जो इरिसेट वो ACM में है वो दोनों, ठीक है। प्रेजेंटेशन में हो सकता है कुछ टाइपिंग मिस्टेक वगैरह की वजह से डेटा इधर उधर हो गया हो, तो उसके लिए वो देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा चलो, सबसे पहला जो है सेकेंडरी सेल, सबसे पहले तो हम लोग ये डिसाइड कर लें कि हम लोग जितने भी सिग्नलिंग में अभी यूज कर रहे हैं, सिग्नलिंग के लिए जो भी बैटरियां, हम IPS के पहले बैटरी थोड़ा सा चैप्टर है तो रिव्यू दे देते हैं, बाकी लोग जो अगर किसी को बात करना हो तो यार माइक म्यूट कर लो पहले, इस बात का खास ध्यान रखो, क्योंकि दिनेश कुमार, ये अपना माइक म्यूट करो बॉस, ये क्यों खोल रखा है इसका? दिनेश, जब बाकी सुनो जरूरत हो जी, तभी माइक आप ऑन करें। फुल स्क्रीन कर लीजिए अपने उसकी स्लाइड की और अच्छे से पढ़ लीजिए। हाँ ठीक है, तो अब हम ये थोड़ा सा देख लेते हो ओवरव्यू सेकेंडरी सेल का। सबसे पहले अपने को बिल्कुल 100% श्योर होना चाहिए कि जो भी सिग्नलिंग में हम यूज कर रहे हैं सिर्फ सेकेंडरी सेल ही यूज कर रहे हैं, प्राइमरी सेल कहीं अब लगभग खत्म है, कहीं यूज नहीं होते। तो सेकेंडरी सेल में कौन कौन सी कैपेसिटी के यूज करते हैं ये सब आप लोग को मालूम होगा, वैसे फिर भी हम बता दें, अभी जो करेंटली यूज हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा 200H, 300H, बीच में कहीं कहीं 120H भी यूज में थे, और हम लोग जो ट्रैक सर्किट के लिए कर रहे हैं 80H का, कहीं कहीं 40H भी हो रहा होगा, लेकिन जनरली नहीं है अपने डिवीजन में, तो एटलीस्ट नहीं है। तो इसमें क्या क्या रहता है सेल में सबको मालूम है, एक एनोड रहती है जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा, दूसरा कैथोड, और इसमें चार्जेज का फ्लो करंट के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये सबको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कि करंट किधर से किधर फ्लो होता है या चार्ज किधर से किधर फ्लो होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। जैसे हमेशा चार्जेज जो हैं निगेटिव, हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव की ओर जाता है, मतलब हमेशा कैथोड से निकल के एनोड पे जाएगा, लेकिन जब हम करंट मतलब की बात करेंगे तो एनोड से कैथोड पे जाएगा। इसी तरह दूसरा जो दो प्लेट होते हैं एनोड कैथोड, इसके अलावा जो तीसरा मेन कंपोनेंट है वो है उसका इलेक्ट्रोलाइट, जो कि मीडियम होता है, मतलब किसके लिए, चार्जेज के फ्लो के लिए मीडियम की तरह एक तरीके से काम करेगा, वो इलेक्ट्रोलाइट है। तो तीन मेन कंपोनेंट है, एनोड कैथोड और इलेक्ट्रोड, तो इसी के आधार पे हम लोग फंक्शन देखेंगे जो मेन मेन है। जैसे ये ड्राई सेल जनरली अब हम लोग ये जितने भी हैं कहीं रेलवे पर्पस के लिए तो यूज नहीं करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और मेन जो है, अब इलेक्ट्रोलाइट के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं
जो आपको हम बता दे रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट का फंक्शन इलेक्ट्रोलिसिस में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये कर लें कि सेकेंडरी सेल जो भी होंगे वो रिवर्सिबल रिएक्शन प्रिंसिपल पे काम करते हैं। मतलब एक बार अगर हम चार्ज कर रहे हैं तो उसमें केमिकल रिएक्शन जैसा होगा, डिस्चार्जिंग में उसके जस्ट अपोजिट केमिकल रिएक्शन होगा। मतलब रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन प्रिंसिपल जो है उस पे काम करेगा। यहाँ है, यहाँ देखो आप मिल जाएगा कि सेकेंडरी सेल जो भी हैं रिचार्ज किए जा सकते हैं। रिचार्ज क्यों किए जा सकते हैं? क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबिलिटी उसकी पॉसिबल है। मतलब केमिकल रिएक्शन उसमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट के फ्लो के डायरेक्शन को चेंज करके हम करवा सकते हैं, इसलिए उसका रिचार्ज पॉसिबल है। और ये एनर्जी स्टोर करता है, इसीलिए इसका नाम एक्यूमुलेटर्स रखा गया है। एक्यूमुलेटर्स भी इसको कहते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज सेल को। और ये किस पर्पस के लिए? सबसे प्राइमरी पर्पस है अपने को मेन पावर सप्लाई जाने पर स्टैंड बाई के रूप में, स्टैंड बाई पावर सप्लाई सोर्स के रूप में हम लोग बैटरी का यूज करते हैं। ये तीन पर्पस है। टाइप तो आपको सब लोग यहाँ थोड़ा ध्यान से देख लेना कि दो टाइप के अपने यहाँ सेल यूज हो रहे हैं, ठीक है। एक को कहते हैं लेड एसिड सेल है और दूसरा अल्कलाइन बैटरी है। अल्कलाइन बैटरी और लेड एसिड सेल में डिफरेंस आगे हम देखेंगे। इसमें से भी अल्कलाइन बैटरी अपने यहाँ बहुत बहुत कम, रेयरली केस में कुछ डिवाइसेस में यूज होते हैं, लेकिन अदरवाइज आप भूल ही जाओ कि कहीं होते हैं। अपने यहाँ जो भी होंगे लेड एसिड बैटरी होंगे। लेड एसिड में भी लो मेंटेनेंस और एक VRL है, दो बैटरियां टाइप की आती है। दोनों के बारे में आगे देखते हैं डिटेल। अच्छा, ये कैपेसिटी ऑफ सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आप समझ लो कि कैपेसिटी ऑफ सेल क्या है। देखिए, किसी भी चीज की क्षमता मापने के लिए हम लोग एक यूनिट का यूज करते हैं। तो किसी भी बैटरी की कैपेसिटी, सेल की कैपेसिटी मापने के लिए जो हम यूज कर रहे हैं यूनिट, वही है एम्पियर आवर। एम्पियर आवर कहने का मतलब आप ऐसे समझो कि सिंपल सा डिफिनेशन है कि अगर हम किसी बैटरी से एक एम्पियर की पावर कंटिन्यूअस ड्रॉ कर रहे हैं तो वो बैटरी कितने घंटे तक हम ले पाएंगे उससे करंट, एक एम्पियर का कांस्टेंट, वही उसकी कैपेसिटी एम्पियर आवर है। 1 एम्पियर अगर किसी की कैपेसिटी, सपोज डेट आप, मैं कहता हूं कि ट्रैक की बैटरी की कैपेसिटी 80 AH है, इसका मतलब आइडियल कंडीशन में आपकी बैटरी से अगर 1 एम्पियर का करंट ड्रॉ किया जाए तो वो 80 घंटे तक चल सकता है। इस तरीके से आप अपने जो ट्रैक बैटरी है उसका उसका करंट जानकर आप उसकी कैपेसिटी निकाल सकते हो। अगर 80 AH की कैपेसिटी है और बैटरी अभी नई है और हेल्दी कंडीशन में है तो वो अगर 1 एम्पियर करंट ले रही है जिस कंडीशन में तो उसको 80 घंटे चलना चाहिए। लेकिन ट्रैक की बैटरियां तो 1 एम्पियर से बहुत कम करंट लेती है, ऑलमोस्ट 0.33, मतलब लगभग 300 से 400 के बीच लेती है, इससे ज्यादा कहीं नहीं लेती। इससे ज्यादा अगर ले रही है इसका मतलब आपका ट्रैक पैरामीटर सही नहीं है, ट्रैक कहीं शॉर्ट है, ज्यादा करंट ड्रॉ कर रही है। तो इस तरीके से ट्रैक की बैटरियों की कैपेसिटी हम निकाल सकते हैं। तो AH कैपेसिटी का मतलब यही है। अब AH जो कैपेसिटी है वो किस किस पे डिपेंड करती है वो आप देख लो। टाइप ऑफ सेल, किस टाइप का सेल है, थिकनेस ऑफ प्लेट, प्लेट कहने का मतलब जिससे हम वो सेल बना रहे हैं उसका थिकनेस क्या है, उसमें भी फर्क पड़ जाएगा कि वो स्क्वायर में है, शेप क्या है उसका, मतलब स्क्वायर में है। उसमें भी आजकल ट्यूबुलर बैटरियां आने लगी हैं, तो मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेट, प्लेट को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया उस पर डिपेंड करेगा। और साइज ऑफ सेल, कितना बड़ा बैटरी हम ले रहे हैं उसकी कैपेसिटी उस आधार पे हो जाएगी डिसाइड। तो इसमें हम लोग कभी भी पूछा जाए अगर कि AH कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है तो ये चार फैक्टर हैं। तो ये आपको चार फैक्टर आपको याद रखने हैं। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपेसिटी के बाद,
इफिशियंसी, वैसे इससे इफिशियंसी से क्वेश्चन का बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि इफिशियंट मतलब कितनी बैटरी आपकी इफिशियंट है, हम कितना इनपुट देते हैं और उससे कितना आउटपुट, मान लीजिए कितना एज कैपेसिटी का आउटपुट ले पाते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100 करके परसेंटेज में कर देंगे। इसमें आप देखिए साफ साफ लिखा है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एज कैपेसिटी ऑफ ए सेल रिड्यूस ड्यू टू एक्सेसिव गैसिंग, मतलब अगर आपकी बैटरी से गैस बैटरी में गैसिंग हो रही है, गैस उसमें ज्यादा निकल रहा है, तब भी एज कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो एक्सेसिव गैसिंग हो रही है इसका मतलब आपका करंट जो चार्जिंग करंट जो है वो ज्यादा है, तो इस चार्जिंग करंट को हम कंट्रोल करके एक्सेसिव गैस को कंट्रोल कर सकते हैं, उससे एज कैपेसिटी को भी उसकी इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं। जैसे आप लोग देखा होगा मतलब कि आपके स्टेशन पे लगी तो 300 एच बैटरी, 300 एच की बैटरी है, लेकिन जैसे जैसे पुरानी होती है तो उसकी इफिशियंसी कम होते जाती है। इफिशियंसी कम कहने का मतलब है तो मेरी बैटरी 300 एच की, लेकिन उससे हम 300 एच का काम नहीं ले पा रहे हैं। मान लो कि वो 2 साल बाद उसकी कैपेसिटी घट के इतनी रहती है कि मान लो हम अगर जैसे एक स्टेशन का लोड 20 एम्पियर का है और उससे अगर मान लीजिए हम 8 घंटे लेते हैं तो 8 दूनी 16, अगर 8 घंटे का ही वो बैकअप दे रही है तो 8 दूनी 16 मतलब 160, वो 160 एएच कैपेसिटी का ही काम कर रही है। इसका मतलब है कि उसका 300 की कैपेसिटी घट के अब 160 तक रह गई है, उससे ज्यादा वो बैकअप नहीं दे पा रहा है। तो इसी को हम लोग कहेंगे कि उसके मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, किस कैपेसिटी तक अभी काम कर रहा है, तो उससे डिवाइड करके आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी इफिशियंसी निकल जाएगी। ठीक है, वैसे कभी भी बैटरी की इफिशियंसी 100% नहीं होती है, जब हम डिजाइन करेंगे तो उसमें कुछ डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज एक कॉन्सेप्ट है जो आगे आएगा वो हम बताते हैं आपको। नेक्स्ट है देखो, वही आ गया डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज करने का मतलब वही है कि एक बैटरी जब हम डिजाइन करते हैं तो ये ध्यान में रखते हुए डिस्चार्ज करते हैं कि जब फुल्ली डिस्चार्ज करेंगे तो ये कहाँ तक डिस्चार्ज किया जा सकता है, वो डिपेंड करता है एसिड का जो प्रॉपर्टी है, जो हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी पे, उसमें जो मेटल है उसकी प्रॉपर्टी पे। तो ये सब को कंसीडर करके ये जो कंपनी वाले अपना डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज आपको बता देंगे कि आपको ना आप जब इस बैटरी को यूज करोगे तो इससे ज्यादा आपको डिस्चार्जिंग नहीं करनी है, अदरवाइज बैटरी की लाइफ कम हो जाएगी। तो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज वही है। ठीक है, तो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज हमेशा कैसे किया जाता है, एम्पियर आवर कैपेसिटी। डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज इज एक्सप्रेस एज द परसेंटेज ऑफ एम्पियर आवर कैपेसिटी। जैसे मान लीजिए 300 एच कैपेसिटी का है अगर, तो उसका एम्पियर आवर का कितना परसेंटेज में हम डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, जैसे कभी भी फुल्ली डिस्चार्ज कहने का मतलब है 100% डिस्चार्ज, उसको कहाँ तक डिस्चार्ज कर सकते हैं, 60%, 70%, 80%, 90%। और ये जो है ना, जो अभी आपको हमने बताया कि LMLA बैटरी और अल्कलाइन बैटरी दोनों के लिए अलग अलग होती है। अब देखो वो आपको अगले स्लाइड में दिख रहा होगा कि ये मैन्युफैक्चरिंग और एजिंग इफेक्ट की वजह से है, तो ये आपको बहुत कॉन्सेप्ट याद रखनी है, मतलब ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अपने यहाँ जो फ्लड टाइप लेड एसिड बैटरी जो पुराने में यूज होते थे ये अब यूज में नहीं है पहला टाइप, तो आप मेनली दो याद रखो, LMLA सेल इसका परमिटेड डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है 80%, मतलब इसको आप 80% से ज्यादा तक डिस्चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब 300 कैपेसिटी है अगर, तो उसका 80% तक ही काम ले सकते हो, उससे ज्यादा आप काम नहीं ले सकते हो। उससे ज्यादा अगर काम लोगे तो उसकी क्वालिटी जो है वो डिटोरिएट हो जाएगी और आपकी बैटरी खराब होने के चांस है। इसी तरह VRLA सेल, ठीक है, वल्व रेगुलेटेड जो लेड एसिड सेल है उसका जो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज परमिटेड है वो 50% तक है। ये दोनों पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लो, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, LMLA सेल का परमिटेड डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज और VRLA का। ठीक है,
कैपेसिटी ऑफ ए सेल हमने पहले ही बता दिया आपको, ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान में रख लो तो थोड़ा काम आएगा। जैसे मान, ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि मान लो हम एक सर्किट डिजाइन कर रहे हैं, तो सर्किट में हमको कितने कैपेसिटी की बैटरी लगानी है, इस बात का डिसीजन हम कैसे लेंगे वो आपको इस फॉर्मूले से समझ में आएगा। सबसे पहले आपको जानना है कि आपका लोड करंट कितना है, आपका बैकअप रिक्वायरमेंट कितना है, और डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, जो सेल आप लगाने वाला हो उसका डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज कितना परमिटेड है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देखो, मान लो कि एक सर्किट है, मान लो जैसे क्या दे ले एग्जाम्पल कि एक हम नया बीपीएससी का सेल सेल का या किसी भी कंपनी का कोई हमने डिजाइन किया कि अब हमको एक बीपीएससी यार्ड में लगाना है, या एमएस डेक, जो भी मान लो एमएस डेक लगाना है कोई यार्ड के, बहुत बड़ा यार्ड है उसमें हमको एमएस डेक लगाना है। तो एमएस डेक के लिए पावर सप्लाई हम एक उससे देंगे, डीसी डीसी कन्वर्टर से। तो अब हमको ये जानना है कि वो डीसी डीसी कन्वर्टर 1 एम्पियर का लगाएं, 5 एम्पियर का लगाएं या 10 एम्पियर का लगाएं, ये कैसे डिसाइड होगा, वो इस स्लाइड में है। तो आप जल्दी से थोड़ा समझ लो कि मान लो कि हम इसी एग्जाम्पल लेते हैं कि यार्ड का पूरा जो नया एमएस डेक लगेगा उसकी जितनी कॉयल है उसकी पावर रिक्वायरमेंट 10 एम्पियर है, और हम ये डिजाइन करते हैं कि 10 घंटे का हमको बैकअप चाहिए। 10 घंटे का मतलब मान लो कि बैटरी लोड पे डला रहा है तो हमको 10 घंटे तक बैटरी चाहिए, और 70% का डीओडी, मतलब अभी तो हम डीसी डीसी कन्वर्टर से दे देते हैं, मान लो नया सर्किट हमको डिजाइन करना हो कहीं रिमोट एरिया में, तो बैटरी हम देंगे कि 70, वो एलएमएलए सेल लेंगे जिसका परसेंटेज 70% हो अगर, या 80 है तो 80 लेंगे, ये फैक्टर चेंज हो जाएगा आपको बैटरी के डिजाइनिंग पे। तो रिकमेंड कैपेसिटी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है 142 एम्पियर आवर। तो अब हमेशा रेलवे में ये प्रैक्टिस है कि हम हमेशा जो डिजाइन है मेरा वो हमेशा सेफ साइड रखेंगे, क्योंकि 142 एएच की हमको जरूरत है, तो हम 140 एएच की बैटरी नहीं रखेंगे कभी, रिक्वायरमेंट्स हमेशा ज्यादा लेंगे, और 140 से ज्यादा एएच में सीधे 200 एएच की बैटरी अपने यहाँ अवेलेबल है, इसलिए वो सर्किट का में जो भी हम बैटरी लगाएंगे 200 एएच का होना चाहिए, उससे कम एएच की कैपेसिटी में मेरा काम नहीं चलेगा। तो ये रिक्वायरमेंट ऑफ, ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं कि सर्किट का कुछ दे दे और रिक्वायरमेंट ऑफ सेल कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए कहे, तो इसको थोड़ा आप ध्यान से समझ लेना। और आप चाहो तो ये भी देख सकते हो कि ट्रैक सर्किट में हम 80 एच का ही बैटरी क्यों लगाते हैं, क्यों 200 एच का नहीं लगाते हैं, या 40 एच का क्यों नहीं लगाते, वो आप इसी से समझ सकते हो कि जितना रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हम लेंगे। ये सेल्फ डिस्चार्ज ऑफ सेल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग को समझना है कि बैटरी अगर रखी हुई है चार्ज करके भी और कहीं सर्किट में नहीं है तब भी उसका सेल्फ लाइफ होता है, वो बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है। ठीक है, वो केमिकल रिएक्शन, चूंकि केमिकल रिएक्शन धीरे धीरे डिटोरेट होता है, तो उसको सेल्फ डिस्चार्ज कहते हैं, अपने आप विदाउट सर्किट लोड के। अब जैसे जो हमारे यहाँ लेड एसिड सेल यूज होता है उसमें सबसे पहले एनोड एनोड कैथोड होता है पीवी का, ये पीवी इलेक्ट्रोलाइट सबको मालूम होगा जहां तक है कि हम लोग H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट के रूप में H2SO4 हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड, इसको 10th क्लास 9th 10th में हम लोग पढ़े थे बहुत, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये वो। तो H2SO4 क्या है, सल्फेट है ना, SO4 हाइड्रोजन, याद है किसी को, SO4 SO3 कौन सल्फ्यूरिक अम्ल है? H2SO4 क्या है, सर। सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाँ सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक एसिड है नाम इसका, लेकिन हाँ हाइड्रो सल्फ्यूरिक अम्ल है लेकिन SO4 हम पूछ रहे थे। खैर वो छोड़ो, अब केमिस्ट्री का चीज छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्योंकि टाइम कम है। तो ये जो है ना H2SO4, इसमें एक क्वेश्चन जो है आप यहाँ देखो हाईलाइटेड है, जिसको आप ध्यान रखना, दो चीज पूछे जाएंगी, चार्जिंग में क्या होता है और डिस्चार्जिंग में। तो चार्जिंग में जो H2SO4 है उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है कि इंक्रीज होता है, और चार्जिंग में क्या होता है ये चीज ध्यान रख लो, किसी को ध्यान है पहले से, अगर वैसे तो इस पे डिस्प्ले हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी कोई बता पाएगा।
अच्छा ये बताओ, जैसे हम लोग बैटरी अगर हम मेरी डिस्चार्ज हो गई है तो H2SO4 मतलब जो ग्रेविटी हम लेंगे तो वो बढ़ेगा कि घटेगा डिस्चार्जिंग घट में? जाएगा, घट जाएगा, ठीक है, घटेगा घटेगा। तो घटेगा, तो बस इसी से याद रखना है कि उस केस में एसिड जो मेरा इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यही यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देखो ना, द कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 डिक्रीज डिस्चार्जिंग के केस में, और H2SO4 हेंस द कंसंट्रेशन जो है H2SO4 का इंक्रीज होगा कब? चार्जिंग के केस में। ये दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में मेरा जो H2SO4 का कंसंट्रेशन है क्या है, अब इसी को आप रिलेट कर लो उसकी ग्रेविटी से, तब भी आप बता पाओगे। ठीक है, डेंसिटी उसी का ये दिया हुआ है कि कब ज्यादा होगा कब कम होगा, इस ये हमने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, ये वेंट कैप जो होता है हम लोग लगाते हैं वो किस लिए प्रोवाइड किया जाता है? वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जो कैपिंग हम लोग करते हैं वेंट कैप बोलते हैं उसको, प्रोवाइडेड ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द सेल, किस लिए? अलाउ द गैसेस टू एस्केप। ठीक है, जो ऐसा गैसिंग हो बोलना रही है वो चाहिए। बाहर निकल जाए, अगर गैसिंग रहेगी ज्यादा तो बैटरियां, मान लो उसको अलाउ ना करे एस्केप करने, तो क्या होगा, बैटरियां फूल जाएगी, उसमें प्रेशर इंक्रीज होगा, बैटरियां फूल के वो उसका दिक्कत करेगा। ठीक है, ये है, ये एक स्पेसिफिकेशन के लिए, ये वाला स्लाइड सिर्फ हमने खास कर इसलिए बनाया है, ये जो स्पेसिफिकेशन है आपका IRS S88/2004, ये लेड एंड लो मेंटेनेंस जो लेड एसिड सेल है उसका स्पेसिफिकेशन है, इसको याद रखना, कभी कभी पूछे जाते हैं, ये IRS स्टैंडर्ड, इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड है, ये स्पेसिफिकेशन नंबर 88, और ये 2004 जो है वो 2004 में आया है लास्ट स्पेसिफिकेशन, इसलिए वो हमेशा रहता है लास्ट में ईयर स्पेसिफिकेशन का। तो इसका 88 है, तो मतलब जो भी अपने को बैटरी यूज करनी है वो इसी स्पेसिफिकेशन के अंतर्गत आते हैं। लेड एसिड सेल में कुछ हम लोग देख लेते हैं, कुछ काम का चीज वैसे, ये उसका फीचर है कि क्या क्या है, हाई लाइफ है, लो मेंटेनेंस है, ठीक है, टेम्परेचर कितना तक हो सकता है, इसमें सारी बैटरी हम लोग बहुत मेंटेन करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि किसी का स्पेसिफिक नाम अगर पूछा जाए तो किसी को पता नहीं होता, तो इस स्लाइड में जरा ध्यान से हम लोग देख लें, एक नंबर जो है लेवल इंडिकेटर, ठीक है, उसका नाम लेवल इंडिकेटर है, दूसरा जो है जिससे गैसिंग रिलीज होगी वेंट कैप है, थर्ड जो है ये तीन नंबर पे है, ये तो टर्मिनल है ही, चार नंबर पे ये वाला पार्ट है ऊपर से कवर रहता है आपको पता होगा, पांच नंबर सेपरेटर गार्ड ये अंदर है, पांच नंबर से 10 नंबर तक जो भी है वो सब अंदर का चीज है जो कि हम लोग को दिखता नहीं है। ठीक है, वैसे क्या क्या होता है आप देख सकते हो कि पांच नंबर सेपरेटर गार्ड है, मतलब दो जब प्लेट बनाते समय पॉजिटिव प्लेट जैसे बना रहे हैं तो उसको सेपरेट करने के लिए सेपरेटर गार्ड होता है, 6 नंबर पे ये पूरा एक साथ पॉजिटिव प्लेट, 7 नंबर भी फिर से सेपरेटर डाला हुआ है, और 8 नंबर निगेटिव प्लेट है, फिर 9 नंबर जो ये बॉक्स है पूरा उसको कंटेनर कहेंगे, और 10 नंबर जो है नीचे भी हम लोग जिस पे बैटरी इसका प्लेट रेस्ट करेगा वो प्लेट रेस्ट है, रेस्ट प्लेट है एक्चुअली। ठीक है, तो इसमें तो कुछ खास है नहीं, सबको पता होगा, ये पैरामीटर आपको याद रखने हैं एक्चुअली, कि वोल्टेज जब फुल्ली चार्ज LMLA सेल, हमेशा याद रखना है कंडीशन, LMLA सेल का ही है 2.2 वोल्ट, इंड पॉइंट वोल्टेज जो डिस्चार्जिंग का है आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कहीं कहीं 1.80 मिलता है, लेकिन LMLA का हम लोग हमेशा देखते हैं 1.85 वोल्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी और फुल्ली चार्ज यहाँ 1210 से वैसे दिया है लेकिन हम लोग मानेंगे 1220, और स्पेसिफिक ग्रेविटी और फुल्ली डिस्चार्ज सेल 1180,
और इलेक्ट्रोलाइट का जो लेवल है ये तो खैर वैसा चीज है कि 12 से 15 mm प्लेट से ऊपर होना चाहिए, इससे ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट भी हम नहीं भरेंगे। तो ये जो चार पैरामीटर हैं इससे अक्सर सवाल आते हैं, और ये तो सबको जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हो उसको वो और साथ में जो रेलवे में काम कर रहे हैं सबको ये तो रटे होने चाहिए, एटलीस्ट पता ही होगा सबको, ये भूलने की चीज नहीं है। फिर भी जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो लोग गलत करते हैं, खासकर ये एंड पॉइंट वोल्टेज को लेकर, ठीक है वो आप ध्यान रख लेना। इनिशियल चार्जिंग डिस्चार्जिंग बहुत काम का तो नहीं है क्योंकि इसमें काफी फैक्ट हैं वैसे, और ये हम लोग आ रहे हैं, इनिशियल चार्जिंग डिस्चार्जिंग में लोग बहुत गलतियां करते हैं, लेकिन आइडियल कंडीशन जो है जो बुक में लिखा है उसके अकॉर्डिंग तो कुछ कुछ है जो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, डिस्टिल वाटर ये IS जो स्पेसिफिकेशन आपको दिख रहे हैं ये कुछ स्टैंडर्ड हैं जिसके अकॉर्डिंग उतना रिक्वायरमेंट है, उस स्टैंडर्ड का रिक्वायरमेंट होगा। तो डिस्टिल वाटर हमेशा IS 1069 का होना चाहिए, एसिड जो है IS 266 का होना चाहिए। अगर किसी को डिटेल जानना है ना कि ये क्या है तो ये आप गूगल पे सर्च करोगे तो उसका स्पेसिफिकेशन का पूरा लिस्ट आ जाएगा, तो उतना डिटेल में अपने को नहीं जानना है। और हमेशा ग्लास, पोर्सेलिन ग्लास या रबर के बर्तन में ही, कभी भी मेटल कंटेनर यूज नहीं करना है एसिड प्रिपरेशन में। और ये जो रेट से लिखा है हमने ये तो सबको पता होना चाहिए, प्रैक्टिकली जो कर रहा है, जो नए लोग हैं उनको अगर नहीं पता हो तो ये बहुत खास चीज है अपनी वर्किंग में सेफ्टी के लिए भी, कि हमेशा एसिड को मिलाना है डिस्टिल वाटर ओनली, ना कि वाटर मतलब पानी को एसिड में डाल दें हम लोग। तो ये क्यों, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि वो बहुत तेजी से रिएक्शन करता है और उसमें ब्लास्ट होने की संभावना रहेगी। इसमें एक चीज और अपने को ध्यान रखना है ये कि टेम्परेचर करेक्शन, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होता है, जब भी हम 0.7 डिग्री बढ़ जाएंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 0.7 से इंक्रीज हो जाएगा पर डिग्री सी पे, मतलब अगर हम 45 डिग्री सी बाहर का टेम्परेचर है उस पे अगर एसिड बनाएं, और फिर अगर मान लो हम सिंपल एग्जाम लेते हैं कि गर्मी के मौसम में हम एसिड बना रहे हैं और फिर सर्दी के मौसम में एसिड बना रहे हैं, तो उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों का अलग अलग होगा, दोनों के केस में हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग रखना चाहिए। यहाँ देखो इनिशियल में क्या होना चाहिए ये सबको याद रखना है कि 1180 आफ्टर कूलिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर एसिड हमने बनाया उसको 24 घंटे, 10 जनरली हम 24 घंटे छोड़ते हैं अपने यहाँ, लेकिन बुक में लिखा हुआ अलाउ सॉल्यूशन टू कूल 12 आवर, मतलब कम से कम 10 से 12 घंटा छोड़ना है अपने को ठंडा होने के लिए एसिड बनाने के बाद। और उसमें भी कंडीशन ये है कि कभी भी जो एसिड हम बना रहे हैं उसका टेम्परेचर 45 डिग्री सी से इंक्रीज नहीं करना चाहिए, इसलिए ये कहा जाता है कि आप जब वो प्रिपरेशन कर रहे हो इलेक्ट्रोलाइट का तो धीरे धीरे हिलाना है उसको, स्टीयर करते रहना है ताकि उसका टेम्परेचर ज्यादा ना बढ़े। तो इसका करेक्शन वैसे हम कैलकुलेशन में अपने यहाँ बहुत कम कंसीडर करते हैं। ये जो है ये आपको तब काम आता है जब इनिशियल इंस्टॉलेशन करते हो कोई बैटरी, तो हमारी जो बनी बनाई एसिड आजकल आती है तो आपको देखना है कि आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। जैसे मान लो हम एसिड जो अपने को सप्लाई हो रही है आजकल बनी बनाई आती है 1200 या 1200 1190 की, लेकिन पहले नहीं आती थी। अगर पहले यही इसी रेशियो में आती थी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1400 का और 1825 का, अगर 1400 या 1825 की स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला आपको H2SO मिला है इलेक्ट्रोलाइट, तो उसको किस रेशियो में आप पानी मिला के रिक्वायर्ड सेल का 1190 जैसे बनाएं कि ठंडा होने पे 1180 तक आ जाए, तो उसके लिए कितना पानी मिलाना है वो दिया हुआ है बस एग्जाम में। ये भी इम्पोर्टेंट है, बाकी चीजें तो नहीं, लेकिन आप अपने काम का चीज मतलब 200H और 300H के लिए याद रख लो कि अगर 200H की बैटरी है तो 11.3 लीटर का उसमें इलेक्ट्रोलाइट जाता है, 300H का है तो उसमें 10.6 लीटर। वैसे प्रैक्टिकली हम लोग नाप के डालते नहीं है लेकिन इतनी रिक्वायरमेंट है।
इनिशियल चार्जिंग में आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। एच कैपेसिटी, हाँ अपना जो मेन है उस टॉपिक पे आ जाते हैं। ये आईपीएस इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई, आईपीएस ठीक है, इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई, इसका स्पेसिफिकेशन हमेशा याद रखना आप लोग। ये आरडीएसओ स्पेसिफिकेशन पूछे जाते हैं, नंबर है 165। बैटरी का हमने बताया था याद है, आईआरएस था यहाँ, लेकिन आईआरएस हो गया इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड, लेकिन जो अभी स्टैंडर्ड नहीं बन पाया है वो हमेशा इसी फॉर्मेट में रहेगा, स्पेसिफिकेशन एसपीएन। तो आरडीएसओ का एसपीएन है आईपीएस के लिए 165, कहीं भी देखो तो समझो वो आरडीएसओ स्पेसिफिकेशन है आईपीएस के लिए। स्लैश 2012 जो आपको दिख रहा है ये इस पर्पस के लिए है कि ये जो अब स्पेसिफिकेशन है 2012 में आया है। कभी कभी इसके एमेंडेड वर्जन भी आते हैं, तो आप अपने आईपीएस पे देखोगे तो ये नंबर जरूर दिखेगा 165। उसके बाद का जो है 2012, 2008, 2012 या अभी लेटेस्ट में अब 2022 भी आने लगे हैं, 2022 वाले भी अब मॉडल धीरे धीरे सप्लाई में आने लगेंगे, उसका भी स्पेसिफिकेशन नया आ गया है आरडीएसओ का आईपीएस के लिए। तो ये एक चीज आप याद रखना, 165 आईपीएस जैसे ही आए तो 165 आपके ध्यान में आना चाहिए, आरडीएसओ स्पेसिफिकेशन 165, तो ये याद रखना है। अच्छा ये पावर सप्लाई क्यों यूज करते हैं, सिंपल सा इसका लॉजिक एक ही है कि मल्टीपल, जैसे हमारे यहाँ सिग्नलिंग में मल्टीपल सप्लाई चाहिए, जैसे हमको 24 वोल्ट भी चाहिए, 60 वोल्ट भी चाहिए, और सबके लिए फिर से हमको सेपरेट सेपरेट भी सप्लाई चाहिए। जैसे 24 वोल्ट ही इंटरनल के लिए हमको अलग सप्लाई चाहिए, सेट ऑफ सप्लाई एक्सटर्नल के लिए अलग चाहिए, तो इन तो इसके लिए क्या होता था, पुराने टाइम में हम लोग अलग अलग बैटरी, अलग अलग बैटरी सेट मेंटेन करते थे, 24 वोल्ट एक्सटर्नल का अलग बैटरी सेट, 24 वोल्ट इंटरनल का अलग बैटरी सेट, साथ में 60 वोल्ट का अलग बैटरी सेट, पॉइंट ऑपरेशन के लिए 110 वोल्ट का अलग बैटरी सेट। तो इस तरीके से मेंटेनेंस बहुत टेडियस था, बहुत ज्यादा बैटरियां अलग अलग मेंटेन करने पड़ती थी, प्लस जितनी ज्यादा बैटरियां उतना मेंटेनेंस, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाती थी, क्योंकि सबके अलग अलग चार्जर भी होंगे, सबका अपना एक चेंज ओवर स्विच लगा के हम लोग रखते थे, दो चार्जर रखते थे कि एक चार्जर जैसे ही खराब हो उसको रोटेट करके दूसरे स्विच पे, तो इन सब में मेंटेनेंस बढ़ता था। तो इन सबको और दूर करने के लिए हम लोग आईपीएस लाएं, इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई मॉड्यूलर फॉर्म में, कि बैटरी सेट हम एक ही रखें और जितनी भी पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट है हम उसी से ड्राइव करें, तो उसके लिए हम लोग ये लाए थे। और साथ में जैसे और भी इसके फीचर है, जैसे हम लोग इसमें क्या है कि रिमोट मॉनिटरिंग कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात जो आजकल आ रही है कि हम आईपीएस के जरिए अपने पावर सप्लाई की रिमोट मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखेंगे कि आईपीएस में और क्या क्या है, ठीक है। आईपीएस में सबको पता है फुल फॉर्म ध्यान रखना है, इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई, इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई, बाकी कुछ भी आए वो गलत रहेगा ऑप्शन में अगर रहेगा तो। सबसे बड़ी बात इसमें जो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई रहती है उसके लिए सिर्फ एक बैटरी सोर्स है, उसके अलावा भी है, हमने मॉड्यूलर डिजाइन किया है, इसका मतलब यह है कि जो पार्ट मेरा खराब होगा सिर्फ उसी पार्ट को हम रिप्लेस करके अपना सर्किट सही करें। ये एक डायग्राम हमने दिखाया है, ये बहुत पुराने टाइम में कैसे हम लोग यूज करते थे, आप देखो 230 से सप्लाई लेते थे, फिर दो बैटरी चार्जर लगाते थे, दोनों चार्जर के बाद एक स्विच लगाते थे चेंज ओवर के लिए, और फिर बैटरी सेट होता था तब सप्लाई हम एक्सट्रैक्ट कर पाते थे। ये तो जितनी आपको अलग अलग सप्लाई चाहिए उतने अलग अलग बैटरी बैंक आपको मेंटेन करने पड़ते हैं। इसी तरह सीवीटी के लिए अलग ट्रांसफार्मर, जो सिग्नलिंग सर्किट है, ट्रैक सर्किट है, उसके लिए अलग रखते थे, ठीक है। तो ये कन्वेंशनल पावर सप्लाई अरेंजमेंट था जिसमें जितने नंबर की सप्लाई चाहिए उतनी बैटरी बैंक मेंटेन करना होता था।
उसको अब हमने हटा दिया। ये एक अप्रूव्ड लिस्ट है मैन्युफैक्चरर की, ये आप कभी कभी पूछे जाते हैं एग्जाम्पल में, एग्जाम में, कि इनमें से कौन सा है जो आईपीएस बनाती है कंपनियां, कौन सा है जो नहीं बनाती है। इसमें से जो पुराने लोग होंगे वो तीन नाम जानते होंगे, अमर राजा, स्टेटकॉन और एचबीएल। जो नए लोग होंगे वो सिर्फ अमर राजा और स्टेटकॉन को जानते होंगे, बाकी के भी नाम आपको याद अब रख लें। इन तीनों के अलावा एक मेधा भी अब आईपीएस बना रही है, और एक ये नया नई कंपनी है सुक्लिया, लेकिन ये कहीं अपने यहाँ मतलब एटलीस्ट झांसी डिवीजन में तो कोई भी इसका वो अभी सप्लाई नहीं है, ठीक है, लेकिन नाम आपको याद रखना है। अभी इन तीनों के फील्ड ट्रायल भी चल रहे हैं, तो फील्ड ट्रायल वालों को उससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है अभी, मतलब इनके भी आगे भविष्य में आ जाएंगे इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री की एसएम क्रिएटिव। अपने को तो तीन नाम याद हैं, चौथा मेधा सर्वो याद रखना है, नया है बिल्कुल सुक्लिया, इसके भी अभी आईपीएस। ये जो आपको आईपीएस दिख रहे हैं ये स्टेटकॉन के हैं, मॉड्यूलर, तीन कैबिनेट है। पहले कैबिनेट का हमेशा नाम एफआरबीसी पैनल होता है, दूसरा एसीडीसी पैनल और तीसरा डीसीडीसी पैनल। ये एचबीएल का है, एचबीएल का मॉडल अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो पिक्चर में देख सकता है, एचबीएल के इस तरीके से आते हैं। और ये जो बैटरी दिख रही है आपको एलएमएलए नहीं है, ठीक है, मेंटेनेंस फ्री बैटरी इसको कहते हैं, लेड एसिड का ही होता है लेकिन ड्राई फॉर्म में। अगला देखते हैं, ये अमर राजा का ये आईपीएस है, ये टू कैबिनेट में भी एक नया जो स्पेसिफिकेशन 2022 का आया है वो उसमें भी अब आ रहा है, प्रपोज्ड है कि ऐसे हम लोग बनाए सिर्फ दो ही कैबिनेट में, बहुत छोटे जैसे गेट के लिए और आईबी के लिए ऐसा आईपीएस डिजाइन किया है, दो कैबिनेट में भी आने वाला है, मतलब आ चुका है। अगर आप कंपनी को रिक्वायरमेंट दोगे कि हमको सिर्फ दो कैबिनेट वाला जगह कमी है तो ये वाला भी आपको सप्लाई हो जाएगी, जिसमें कन्वर्टर डीसी डीसी ऊपर लग जाएंगे, नीचे एसएमआर वाले, दूसरे में सीवीटी और बाकी आपके इन्वर्टर और ट्रांसफार्मर और सीएससी यूनिट के साथ ये मिल जाएंगे आप। अब देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या करता है काम, आईपीएस कौन कौन से काम करता है, मतलब पहले जिसके लिए हम सब अलग अलग इक्विपमेंट चूंकि यूज करते थे तो उसको सब आईपीएस में इनबिल्ट किए हैं, तो क्या क्या फीचर है। पहला पहला जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेक्टिफिकेशन। दूसरा क्या करता है, ये जो हाई वोल्टेज है, जैसे मान लो डीसी से डीसी, मतलब मान लो 110 वोल्ट डीसी है तो उसको 24 वोल्ट 60 वोल्ट इसमें कन्वर्ट कर रहा है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं चॉपिंग। हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में जब बदल रहा है वो, तो उसको कहते हैं चॉपिंग, डीसी टू डीसी में कन्वर्टर मतलब चॉपिंग। तीसरा जो काम वो करता है आईपीएस, वो करता है कि डीसी सप्लाई को एसी में भी बदलता है, उसको कहते हैं इन्वर्जन, और ये काम करने वाला जो इक्विपमेंट है वो है मेरा इन्वर्टर, ठीक है। तीसरा जो काम करता है एसी टू एसी कन्वर्जन, वो दो तरीके का हो सकता है, या तो एसी टू एसी वो स्टेप डाउन कर रहा होगा, इसका मतलब हाईर वोल्टेज को लोअर वोल्टेज में बदल रहा होगा, या स्टेप अप करेगा जिसमें कम वोल्टेज को वो हाईर वोल्टेज में बदलेगा। और आप आपको पता नहीं कितने लोगों को ये आइडिया होगा, ये सारे काम आपके आईपीएस में होते हैं। अब कहाँ कहाँ होते हैं डिटेल में अभी देखेंगे हम लोग। ऊपर ये चारों के नीचे में सिंबल दिखाए हुए हैं, आप सिंबल से समझ सकते हो, पहला रेक्टिफायर का सिंबल, दूसरा डीसी डीसी कन्वर्टर, तीसरा इन्वर्टर और चौथा एसी एसी कन्वर्टर। तो कहीं अगर नाम ना भी लिखे हो तो इस सिंबल को देखकर आपको समझना पड़ेगा कि ये इक्विपमेंट क्या काम करता है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि रेक्टिफिकेशन, चॉपिंग, इन्वर्टर और स्टेप अप स्टेप डाउन, एग्जाम्पल के साथ अभी हम देखते हैं आगे। आईपीएस क्यों यूज करते हैं, बैटरी डिफरेंस, पहला जो पॉइंट हमने लिखा हुआ है कि बैटरी जो है यूज, क्योंकि अलग अलग बैटरी बैंक की इसमें जरूरत नहीं पड़ती, नंबर ऑफ चार्जर भी हमको नहीं लगाने पड़ते, सिर्फ एक सिंगल चार्जर एसएमआर का पूरा मॉड्यूल लगा देते हैं, हो गया, ठीक है। और पावर फेल होने पर भी मेरा
सब जलता रहे, इसके लिए भी मतलब पावर सप्लाई बैकअप के लिए, ठीक है। डीजी का हमको यूज ना करना पड़े, और हाइयर रेगुलेटेड वोल्टेज मतलब बिल्कुल हमको जैसा बिल्कुल विदाउट फ्लक्चुएशन आउटपुट में बिल्कुल रिपल ना आए उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, स्टेबल सप्लाई के लिए, ठीक है। और भी फीचर आईपीएस क्या है कि अब चार्जर बहुत ज्यादा चाहिए नहीं, तो मेंटेनेंस बहुत कम हो गया, बैटरी का भी मेंटेनेंस कम हो जाएगा, और कंटिन्यूअस पावर सोर्स हमको मिल जाएगा, ठीक है। ऑटो चेंज ओवर फैसिलिटी भी हमको मिलता है कि जैसे एक इन्वर्टर मेरा खराब हुआ ऑटोमेटिक दूसरे इन्वर्टर पे चला गया, ये ऑटो चेंज ओवर फैसिलिटी है, ठीक है। अब आ जाते हैं आईपीएस के मॉड्यूल्स पे, क्या क्या मॉड्यूल आईपीएस में रहते हैं। आप लोग सब लोग वर्किंग लोग हो, तो जैसे जैसे हम बताते जाएं आप अपने स्टेशन के हिसाब से देख लेना कि हाँ वो है कि नहीं। पहला जो पैनल है एसएमपीएस पैनल, दूसरे का एसी डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, तीसरा डीसी डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, इसके अलावा चौथा जो है एएसएम रिमोट मॉनिटरिंग अलार्म पैनल जो है, जो कि जनरली स्टेशन मास्टर ड्यूटी रूम में लगा रहता है। और चौथा इसके अलावा एक जो मेन कंपोनेंट है जो आईपीएस के साथ इंटीग्रेटेड है, मतलब आईपीएस के साथ ही वर्क करता है, वो है बैटरी, जो कि हम लोग अभी पीछे देख रहे थे, वीआरएलए और एलएमएलए। तो वीआरएलए ये मान के आप चलो कि टेलीकॉम वाले ही अपने डिवीजन में ज्यादा यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ इलाके जो हैं जैसे मुंबई सब अर्बन और पुणे वाला जो सेक्शन है, वहां आप जाओगे अगर तो वहां पे वीआरएलए बैटरी हम लोग आईपीएस के साथ भी यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आईपीएस सिस्टम रिक्व अब हम आईपीएस के थोड़ा डिजाइन पे काम कर लेते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो आप समझो इसमें एक तो कि सिस्टम जो आईपीएस सिस्टम है वो क्या क्या रहता है, अभी हमने ये सारे देख लिए हैं, अब सब आपस में कैसे कनेक्टेड है उसको हम देखेंगे। ये कंपोनेंट के नाम सबको पता है, बैटरी, एसएमआर मॉड्यूल, डीसी डीसी कन्वर्टर, इन्वर्टर्स, एएसएम पैनल, सीवीटी और चेंज ओवर, ठीक है। ये एक सिंपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रख लो, ये बहुत मतलब इसको अगर आप समझ गए तो आईपीएस वैसे काम नहीं आएगा ये, लेकिन जब कभी आईपीएस के फेलियर होते हैं उस टाइम ये डायग्राम अगर आपके दिमाग में रहेगा तो उसका आप रेक्टिफिकेशन जल्दी कर पाओगे, किसको किससे कनेक्ट करने पे क्या सही होगा। ये जब तक आप ये नहीं समझोगे ये ब्लॉक डायग्राम, तब तक आप वो आईपीएस के फेलियर को अटेंड करना बहुत मुश्किल है। और जब आप जो भी लोग एग्जाम दे रहे हैं अगर वो एसआई बने तो उनको ऐसे क्रिटिकल फेलियर में वो फेलियर तभी जल्दी राइट कर पाएंगे जब उनको ये ब्लॉक डायग्राम की बहुत अच्छी समझ होगी कि कहाँ से किसका कनेक्शन है और किसके फेल होने से क्या इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहले आप देखो कि जो आईपीएस कैसे वर्क करता है, सबसे पहले एक हम मेन सप्लाई लेते हैं जो कि हमारी जो पैनल है अपना वहां से आता है, जहां पे एटी सप्लाई से हम जनरली उठा रहे हैं, जहां पे चेंज ओवर पैनल जो है अपना उसमें जनरली तीन सप्लाई अवेलेबल रहती है, तीनों ऑटो मोड में रखे, अगर ऑटो मोड में है तो तीनों में से जो जाएगी अप एटी डाउन एटी और एक डी जनरली हम लोग लोकल रखते हैं, जहां पे अप और डाउन एटी नहीं है मतलब सिर्फ एक सप्लाई है, मान लीजिए सिंगल लाइन है, उस केस में एक हम वहां पे एक्स्ट्रा डीजी रखते हैं। रेलवे का प्रोविजन है कि मिनिमम तीन सप्लाई अवेलेबल होनी चाहिए फॉर सिग्नलिंग पर्पस, अगर वो नहीं है तो अभी तो ऐसे इंस्ट्रक्शन है कि स्टेशन विदाउट तीन सिग्नल के तीन सोर्स के कमीशन ही नहीं करना है, कुछ नहीं है तो फिर आपको सोलर पावर लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई ऐसा रिमोट एरिया है जहां पे लोकल सप्लाई अवेलेबल नहीं हो सकती, कहीं रिमोट में स्टेशन बन रहा है, तो वैसे केस में फिर हम लोग तीन सप्लाई लेंगे, एक एटी आ जाएगी, एक डीजी आ जाएगा और तीसरा सोलर पावर का सहारा लेंगे, वहां पैनल लगाएंगे सोलर वाले, ठीक है। तो लेकिन मिनिमम तीन सप्लाई होनी चाहिए। तो वहां से जो हम सप्लाई लेके आते हैं सबसे पहले अपना एलपीडी जो बॉक्स है, ठीक है, उसमें लाएंगे, उसमें क्या क्या कंपोनेंट रहेंगे वो भी देखेंगे हम लोग, उसमें एक सर्ज प्रोटेक्शन के लिए क्या व्यवस्था है, फ्यूज लगे रहते हैं उसी में, ठीक है। तो फ्यूज के जरिए लाएंगे और वहीं पे सर्ज प्रोटेक्शन का भी काम कर लेंगे, वहां पे बी क्लास सर्ज प्रोटेक्शन होता है, ये आपको मालूम होगा, उसमें बी क्लास लगता है, आगे डिटेल देखेंगे तो देख लेंगे। अब वहां से जो 230 सप्लाई लाते हैं हम, तो
वो 230 सप्लाई सबसे पहले तो एसएमपीएस पैनल में जाती है। एसएमपीएस कहने का मतलब है स्विच मोड पावर सप्लाई है ये, जिसको जनरली हम एसएमआर पैनल बोलते हैं। तो एसएमपीएस पैनल में जाता है वो। एसएमपीएस पैनल के अलावे वो जो 230 वोल्ट है एसीडीपी, एसीडीपी पैनल जो मेरा रखा है बगल में उसमें भी जाता है, और वहां से एक तो सिग्नल लैंप को सप्लाई के लिए डायरेक्ट चली जाती है, दूसरा जो 230 है वो ट्रैक फीड वाले चार्जर को जाती है। कैसे जाता है वो आगे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। प्लस एसएमपीएस जो पैनल है जिसमें एसएमआर भी लगे हैं, वहां से मॉनिटरिंग भी एसएमपीएस पैनल में भी होता है, तो वहीं से केवल एक केबल के जरिए एएसएमआर पैनल भी जुड़ा होगा। दूसरा जो बैटरी है मेरी, बैटरी बैंक पूरा 55 का, वो आके आपको एसएमपीएस पैनल में ही वहां से सप्लाई टर्मिनेट होती है। कभी भी अगर आईपीएस को गौर से देखा होगा पीछे तो एक बस बार बनी रहती है, जनरली पट्टी रहती है लंबी, एक पॉजिटिव की एक निगेटिव की, ठीक है। तो कभी भी हम लाए हैं अगर तो वहां से जो जो सप्लाई उठाते हैं, खासकर एक पीएफसी डेटा लॉगर में भी एसएमपीएस पैनल से ही जाता है, वो भी आपको पता होगा पीछे सप्लाई रहती है कहाँ पे हमको देखना है वायरिंग अगर पीएफसी की। दूसरा ये जो बैटरी और एसएमपीएस, वहां से आप देखो दोनों के बीच से एक कनेक्शन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि डायरेक्ट पॉइंट मशीन में जाती है, ठीक है। मतलब यह है कि बैटरी का कनेक्शन पॉइंट मशीन से डायरेक्ट है, एसएमपीएस बाकी चार्जिंग वार्जिंग से उतना कोई मतलब नहीं है। अगर बैटरी नहीं भी चार्ज हो रही है तब भी अगर पॉइंट मशीन आपने ऑपरेट किया है तो बैटरी से करंट ड्रॉ कर लेगा, ठीक है। उसके अलावे मतलब अगर एसएमपीएस मेरा खराब भी हो गया, बैटरी मेरा सही है, तो मेरा पॉइंट चल सकता है, एसएमपीएस से उसको कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट वहां सिर्फ टर्मिनेशन बॉक्स है एक तरीके से पॉइंट मशीन के लिए वायर। और ये जो 110 आई है बैटरी से, वो एक तो पॉइंट मशीन में भी जा रही है, साथ ही साथ डीसी डीसी पैनल जो है उसमें भी जा रही है। डीसी डीसी पैनल से अलग अलग मॉड्यूल के जरिए वो सप्लाई आगे जाएगी। साथ ही ये जो 110 वोल्ट बैटरी है, 110 वोल्ट बैटरी की सप्लाई हम एसीडीपी पैनल में भी ले गए हैं। एसीडीपी पैनल में क्यों ले गए हैं, तो हमको चूंकि बैकअप चाहिए कि जब मेरा मेन सप्लाई चला जाए तो सिग्नल मेरा ब्लैंक नहीं हो। एक तो डायरेक्ट भी चलता रहेगा एलपीडी बॉक्स से, एलपीडी बॉक्स से सप्लाई आई एसीडीपी में और यहां से डायरेक्ट सिग्नल जलते रहेंगे ट्रांसफार्मर के जरिए। लेकिन अगर बैटरी पे लोड जब आएगा, मतलब मेन सप्लाई कट गई, तो उस केस में कैसे चलेगा, तो यहां से बैटरी से कनेक्शन है एसीडीपी को, उसमें सप्लाई जाएगी, उसमें इन्वर्टर लगे हैं, फिर इन्वर्टर से वो सप्लाई जाएगी सिग्नल ट्रांसफार्मर को, वो है। तो ये मेनली आईपीएस का अपना कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें जो एलपीडी लगे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस पे आजकल बहुत फोकस है कि जो सर्ज प्रोटेक्शन वाला पार्ट है, कि अगर कोई बाहर से सर्ज आया है तो इसी एलपीडी बॉक्स के जरिए हम उसको अर्थ कर दें, वो सर्ज आगे अपने मॉड्यूल और पावर सप्लाई में ना घुसे। अगर वो पावर सप्लाई में घुसा तो उस सप्लाई पे जो जो इक्विपमेंट चल रहे होंगे उनको फेल करेगा। अगर उसको हम सप्रेस कर पाए एंट्री पॉइंट पे ही, तो सारा मेरा इक्विपमेंट सेफ है। इसलिए इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, खासकर इसकी अर्थिंग को लेकर, कि इसकी जो अर्थ वो बहुत अच्छी हो, रिंग अर्थ से बिल्कुल नजदीक हो, सबसे मिनिमम डिस्टेंस, मतलब वायर का लूप ना हो, वायर सीधे सीधे एसपीडी से निकले और सीधे सीधे मेरा टर्मिनेट हो जाए। दूसरा एक और चीज कि जो मेरा आउटपुट है और जो मेरा इनपुट है वो दोनों सेपरेट हो, ताकि सर्ज का कोई प्रभाव ना पड़े, सर्ज इसका उसमें ना घुस पाए बिना फिल्टर हुए। तो ये देखते हैं, इनपुट टर्मिनल बस बार में आता है, फ्यूज के जरिए एलपीडी दो लगी रहती है वहां और एसपीडी। अगर फ्यूज के अलावे आप देखोगे वहां पे दो, एक तो लाइटनिंग प्रोटेक्शन है, एक सर्ज प्रोटेक्शन है, मतलब दो अलग अलग लेवल का प्रोटेक्शन होता है। एक जो होता है कि हाई वोल्टेज को, और एक जो होता है कि बहुत हाई सर्ज को, मतलब बहुत ज्यादा करंट को सप्रेस करता है उतने टाइमिंग के लिए। तो आप सीधे समझ लो जो क्लास बी लगते हैं, क्लास ए लाइटनिंग अरेस्टर अपने बिल्डिंग के प्रोटेक्शन के लिए हैं, और क्लास बी इक्विपमेंट लेवल पे इनपुट सप्लाई में लगते हैं हमेशा। तो ये पूछा जाता है कभी कभी कि इनपुट में हम लोग कौन सा डिवाइस यूज करते हैं,
तो यहाँ तो ये जो आपका एलपीडी बॉक्स है उसमें सर्ज प्रोटेक्शन मतलब एसपीडी भी लगा होता है, एलपीडी भी लाइटनिंग प्रोटेक्शन के लिए भी हुआ है और सर्ज प्रोटेक्शन के लिए भी है। और यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा सीधे एसएमपीएस पैनल में जाएगा। ये जो मेन डायग्राम है वो जो अलग से बॉक्स हमने दिखाया था आईपीएस में वो है ये। ये तो हमने बता दिया किस पर्पस के लिए है। ये है आपको बॉक्स देख लो, इसमें पिक्चर में दिख रहा है। ये तो क्या एचपीएल का ये है, क्लास बी और क्लास सी दोनों सर्ज प्रोटेक्शन इसमें लगे हुए हैं। ये भी क्लास बी और सी के ऐसे देख लो आप। इसमें अब इंडिकेटर टाइप ही शायद इंडिकेटर, हाँ यहाँ इंडिकेटिव टाइप भी है फ्यूज। तो ये दो फ्यूज हैं आपके और बाकी जो है सर्ज एसपीडी है। एसपीडी किसके किसके, ये जो पिक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे दो सवाल, ये इससे सवाल आता है बिल्कुल, इसको तो आप बिल्कुल याद रखना है ताकि आप कभी भी क्वेश्चन को गलत ना करो। ये पिक्चर अगर आप ध्यान में रखोगे तो क्वेश्चन कर, जैसे पूछे जाते हैं कि क्लास बी जो है आपका सर्ज प्रोटेक्शन वो किसके किसके बीच कनेक्ट होता है, तो क्लास बी हमेशा लाइन न्यूट्रल या न्यूट्रल अर्थ दोनों के बीच हो सकता है। लेकिन क्लास सी की जब बात आएगी तो क्लास सी हमेशा लाइन और न्यूट्रल के बीच कनेक्ट होता है। तो ये पूछे जाते हैं कि क्लास सी सर्ज प्रोटेक्शन किसके किसके बीच होता है और क्लास बी किसके किसके बीच होता है, तो क्लास बी हमेशा जो है लाइन न्यूट्रल या न्यूट्रल अर्थ दोनों के बीच हो सकता है, लेकिन क्लास सी जो होगा वो हमेशा लाइन और न्यूट्रल के बीच हम कनेक्ट करते हैं। तो ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कि, और इस पिक्चर से आप ये भी समझ सकते हो कि जो मेरा लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइस लगता है वो हमेशा पैरेलल में लगता है, कभी भी सीरीज में नहीं लगता। तो कभी भी आप लगाने में गलती नहीं करोगे। सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस हमेशा यहाँ इस पिक्चर से दिख रहा है कि पैरेलल में है, ये लाइन जा रही है तो लाइन को बीच में काट के हम नहीं उसके एक एक पॉइंट को लेकर लगाया है, इसका मतलब पैरेलल में है। तो ये भी क्वेश्चन आते हैं कि ये जो प्रोटेक्शन डिवाइस है क्लास बी और सी वो सीरीज में लगाए जाते हैं कि पैरेलल में। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइस है वो अपने पैरेलल में ही होते हैं, कभी कोई सीरीज में नहीं होता। जैसे देखो इसमें दिख रहा होगा कि फ्यूज के जरिए यहाँ पे एल पॉइंट पे टर्मिनेशन तो है, लेकिन ये दोनों साइड से ऐसे टर्मिनेट है और बीच में ये है। जैसे ही हाई सर्ज आएगा बीच से मेक हो जाएगा और ये अर्थ के जरिए उसमें चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। ठीक है, तो इससे ये भी सवाल आता है कि एलपी जो भी सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस होते हैं अगर वो पैरेलल में लगाते हैं तो वो क्या होता है, नॉर्मली ओपन होता है और हाई सर्ज आने पे वो मेक हो जाता है जो कि पाथ प्रोवाइड करता है हाई सर्ज को अर्थ में डिस्चार्ज होने के लिए। सर्ज क्या होता है, जाहिर सी बात है वेरी वेरी हाई वोल्टेज और बहुत कम टाइम के लिए। स्पाइक देखो, एक तो सर्ज होता है, ठीक है, ये बहुत हाई वोल्टेज होता है लेकिन बहुत कम सेकंड के लिए होता है। वोल्टेज लाइज नॉर्मल लेवल, लेकिन नॉर्मल लेवल फॉर 1 और 2 नैनो सेकेंड, मतलब बहुत एसपीडी कम टाइम के लिए। हाँ बताना। में जो वोल्टेज वगैरह वो उसमें चेक करते हैं ना, न्यूट्रल तो अर्थ है तो उसपे, तो एक बार थोड़ा वो बता हाँ दीजिए। हाँ हाँ देखो इसमें क्या है कि क्यों चेक करते हैं वो भी आप समझो। सबसे पहले तो देखो यहाँ तीन टर्मिनल दिख रहा है, तो एक इसमें लाइन है एल, एन है न्यूट्रल और तीसरा पी जो ग्रीन लिखा हुआ है इसको आप समझो अर्थ। ठीक है, तो तीन है। तो लाइन और न्यूट्रल के बीच जब भी हम वोल्टेज लेंगे तो फुल वोल्टेज हमको आना चाहिए। फुल कहने का मतलब कि जैसे 230 है तो 230 आना चाहिए। अगर लाइन और अर्थ के बीच, लाइन और अर्थ के बीच हम लेते हैं तो दोनों में लाइन और अर्थ के बीच फिर न्यूट्रल और अर्थ के बीच, ठीक है, तो इसमें जो वोल्टेज है ये वोल्टेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए आप समझो, क्योंकि मेरा लाइन बिल्कुल सेपरेट है, न्यूट्रल मेरा सेपरेट है, उसके बीच जो डिवाइस लगा है वो मेरा क्लास बी प्रोटेक्शन लगा है और इधर क्लास बी प्रोटेक्शन लगा है। क्लास बी प्रोटेक्शन के जरिए ये अर्थ को कनेक्टेड है। अगर आपका अर्थ के साथ वोल्टेज आ रहा है, वोल्टेज ड्रॉप है, इसका मतलब है ये जो क्लास बी में हमने लगाया हुआ है वो मेरा बहुत अच्छे वैल्यू का नहीं है, इसलिए उसमें कंटिन्यूटी मिल रहा है, मतलब वोल्टेज ड्रॉप है। जबकि ये इतना ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए कि इसके बीच में कोई भी वोल्टेज
डेवलप नहीं होना चाहिए। अगर वोल्टेज डेवलप हो रहा है, इसका मतलब आपका लीकेज है, कुछ करंट जो है क्लास बी से होके लीक हो रहा है, इसलिए कहा जाता है कि उसमें वोल्टेज ड्रॉप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो स्टैंडर्ड है जनरली वो कितना है, लेस देन 10, ठीक है, लेस देन 10 वोल्ट आपको रखना है इसके बीच। अब समझ में आया किसके किसके बीच क्यों लेते हैं? अगर उसके बीच वोल्टेज डिफरेंस है, इसका मतलब वो आपका उससे कुछ करंट लीक हो रहा है, और करंट लीक होने का मतलब है फिर आपका जब अर्थ सप्लाई जो भी है वो अर्थ के साथ मिक्स हो रही है, इस केस में आपका अर्थ फॉल्ट आएगा, और फिर ऐसे अर्थ फॉल्ट को आप ढूंढते रह जाओगे आईपीएस में, कभी मिलेगा नहीं, ठीक है। तो जो आईपीएस साइड के अर्थ, आईपीएस साइड के जो मतलब ईएलडी में अर्थ फॉल्ट आते हैं, वो ऐसे ही फॉल्ट होते हैं कि कोई ना कोई आपका ये क्लास बी क्लास सी कोई भी एक ये प्रॉब्लम दे रहा होगा, क्योंकि ये जो अर्थ जुड़ा है वो क्लास बी के साथ होके जुड़ा है। यहाँ पे जो ये दिख रहा है आपको क्लास बी प्रोटेक्शन, तो इसके बीच बहुत हाई वो होना चाहिए, मतलब बिल्कुल आइसोलेशन होना चाहिए अर्थ के साथ। ये तभी काम करेगा जब हाई सड़ जाएगा और फिर मेक होगा, तब यहां से डिस्चार्ज होना चाहिए। तो अगर इसके मान लीजिए नॉर्मल कंडीशन में भी आपका वोल्टेज ड्रॉप है, इसका मतलब यहां से करंट कुछ आपका लीक हो रहा है, ठीक है। इस वजह से हमको उसका वोल्टेज चेक करते हैं हमेशा मेंटेनेंस में, जब आईपीएस वाले आते हैं जनरली तो उनसे करवाते हैं। और ये प्रॉब्लम सब जगह है, जहां पे आइसोलेशन ट्रांसफार्मर लगे हैं वहां जनरली ये वोल्टेज मेंटेन नहीं हो पाता, क्योंकि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के जरिए कुछ लीकेज होता रहता है, उस केस में वहां ज्यादा मिलता है। अगर किसी को ज्यादा मिल रहा होगा वोल्टेज, तो कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर अगर लगे हैं तो उसको बाईपास कर लो, फिर आपको वो वोल्टेज जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है वो सही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मेरे यहाँ जो भी थे प्रॉब्लम ऐसे ही प्रॉब्लम थे, तो सब हमने आइसोलेशन ट्रांसफार्मर को बाईपास करके दूर करवाया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सर्ज और स्पाइक में बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है, जो बहुत कम टाइम जैसे 3 नैनोसेकंड से जो ज्यादा के लिए है उसको सर्ज कहेंगे, जो कि हाई वोल्टेज होता है लेकिन ज्यादा टाइम के लिए होता है। लेकिन एक होता है कि वोल्टेज नॉर्मल लेवल से हाई तो गया लेकिन बहुत कम सेकंड के लिए, बहुत कम सेकंड के लिए बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उसको स्पाइक। तो सर्ज और स्पाइक में थोड़ा सा डिफरेंस है। लाइटनिंग जो होती है ना, तो उसमें जनरली सर्ज आते हैं, स्पाइक नहीं, ठीक है, इसीलिए हम उसका अपने डिवाइस का नाम सर्ज प्रोटेक्शन रखे हैं। ये खैर सर्ज प्रोटेक्शन हमने जितना बता दिया वो सफिशियंट है, ये कुछ अलग अलग मेथड हैं, लेकिन हम लोग जनरली अर्ली स्ट्रीम इमिशन टाइप, ये मेस है और एयर रॉडिंग है, तो हम लोग इसमें अर्ली स्ट्रीम इमिशन टाइप यूज करते हैं। इतना डिटेल तो खैर जरूरत नहीं पड़ेगा अर्थ का। ए क्लास आर रेजिस्टर अपने यहाँ इसी टाइप के यूज होते हैं, ठीक है, सिग्नलिंग में। ये जो है ए क्लास आर रेजिस्टर है अपना, ये बी और सी है, इसमें से कुछ कलर, कुछ कंपनियां ना इसमें कलर कोडिंग भी देती है। इसमें दो टाइप के आते हैं, डिटेल में तो हम नहीं बता पाएंगे अभी, चूंकि मेरे पास पिक्चर होता तो हम दिखाते। इसमें ना एक डेटा के प्रोटेक्शन के लिए आता है कि डेटा वाले में लगेगा, और एक जो आता है वोल्टेज वाले में आता है, ठीक है। तो चूंकि मेरे यहाँ ईआई नहीं थी इसलिए फोटो नहीं है मेरे यहाँ, ईआई जहां लगी है ना वहां पे आपके दो कलर कोड वाले आते हैं, और जितने भी लोग हैं बहुत कम लोगों को मालूम है, डिटेल में कोई जानने की कोशिश करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि एक येल्लो कलर का आता है और जनरली एक ब्लू कलर में है। तो जनरली जो डेटा प्रोटेक्शन वाले हैं, मतलब जिससे होके डेटा जाता है, उस केस में हमेशा वो ग्रीन कलर का जनरली है, और ब्लू कलर वाला जो है ना वो वोल्टेज के लिए होगा। तो कभी ध्यान देना, जिसके जिसके सेक्शन में लगी है उससे भी तुम जान सकते हो ये एसपीडी क्लास बी का है कि क्लास सी वाले जनरली डेटा प्रोटेक्शन में यूज होते हैं, और क्लास बी वाला जनरली कलर ब्लू होता है। लेकिन ये वैरी भी कर सकता है, ये यूनिवर्सल कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसी स्टैंडर्ड में आते हैं अलग अलग कंपनियों के। बाकी डिटेल है कि कौन कितने वोल्टेज तक प्रोटेक्शन करता है, ये हम लोग याद भी नहीं रख सकते। हाँ, लेकिन एक चीज हम बताना चाहेंगे यहाँ पे, क्लास सी जो प्रोटेक्शन, क्लास डी प्रोटेक्शन है वो इक्विपमेंट लेवल पे होता है, ये याद रखना।
इक्विपमेंट के जनरली आउटपुट में हम लोग आउटपुट जहां है फाइनल वहां पे क्लास डी यूज करते हैं, और जहां इनपुट सप्लाई की बात आती है, इनपुट हो रहा है, वहां पे बी और सी का यूज करते हैं, ये याद हमेशा रखना है। डी क्लास की बात आएगी तो डी क्लास जनरली कौन कौन से हैं, एमओ भी आपने देखा होगा, एलईडी पे दो ऊपर से टांग लगे होते हैं, जनरली हम लोग उसका वैल्यू नहीं समझते हैं। वो एक्चुअल में वो एमओ भी जो है मेटल ऑक्साइड वैरिस्टर उसको बोलते हैं, वो एक तरीके से सर्ज प्रोटेक्शन के लिए ही यूज होता है, तो वो क्लास डी है, तो उसको ध्यान रखना कि वो क्लास डी है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लाइटनिंग पे, इतना काफी है, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं मेन आईपीएस के वर्किंग पे, ये सबको जनरली पता होगा, फिर भी आप पॉइंट थोड़ा ध्यान दे देना, जो हम बोलेंगे वो वैसे ही पॉइंट रहेंगे जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे वर्किंग वोल्टेज 150 से लेके कहीं कहीं ये आपको 270 भी मिल सकता है, तो उसमें ज्यादा वो होने की जरूरत नहीं है, जो ऑप्शन आए सुटेबल वो मारेंगे हम लोग, ठीक है। 150 से कहीं कहीं ये 160 भी दे देगा, 160 वोल्टेज से, तो रेंज यही है 160 से लेके 275 तक जनरली ये वर्क करता है। ये क्या होता है ना कि ये जो भी प्रॉब्लम आती है, जैसे आईपीएस अगर अमर राजा का है तो उसके बुक में कुछ और लिखा रहेगा, दूसरे कंपनी का है तो वो कुछ और लिखा हो सकता है, ठीक है। बैटरी बैंक पता ही है, 110 वोल्ट डीसी, 230 वोल्ट एसी। इन्वर्टर जो है क्या काम करता है वो सबसे पहले ध्यान रखना, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होता है। तो इन्वर्टर जो है 110 वोल्ट डीसी को जब बदलता है वो, तो वो बदलता है 230 वोल्ट एसी में, ऐसा नहीं कि 110 वोल्ट एसी में वो बदलता है। हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो इन्वर्टर है उसका इनपुट तो 110 रहेगा। ये क्वेश्चन पूछे भी गए थे पिछले किसी एग्जाम में कि इन्वर्टर का आउटपुट क्या होता है, तो इन्वर्टर का जो इनपुट है वो 110 वोल्ट डीसी होगा, लेकिन आउटपुट जो होगा वो हमेशा 230 वोल्ट एसी रहेगा, ये खास ध्यान रखना है। अच्छा इसके केस में दो चीज होता है जिसकी सेटिंग भी हम लोग कर सकते हैं, एक तो क्या है LVDS, LVDS जो है लो वोल्टेज कनेक्टिंग स्विच। LVDS एक मॉड्यूल है जो क्या करता है कि मान लो आईपीएस का वोल्टेज आपका 150 से कम जाने वाला है, इनपुट वोल्टेज आपका 150 से कम हो गया तो खुद ही सप्लाई कट कर देगा, तो उसके लिए जो हम यूनिट यूज कर रहे हैं उसको लो वोल्टेज डिसकनेक्टिंग स्विच LVDS बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे यहाँ कभी एक ड्राइव चली थी याद होगा किसी को, तो एक स्विच बाईपास करवाया गया था, वो एक्चुअल में यही डिवाइस हम लोग LVDS को बाईपास कर रहे थे। रेक्टिफायर, अगर किसी ने बेसिक रेक्टिफायर पढ़ा होगा तो वो यही होता है, ब्रिज रेक्टिफायर, चार डायोड लगे होते हैं, फ्यूज है, उससे जो निकलेगा वो रेक्टिफाई होकर निकलेगा। और ये स्विच मोड पावर सप्लाई जो SMPS बोलते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई का वो एक बेसिक डायग्राम है। आप देखो एसी जो है, सबसे पहले जो एसी वोल्टेज है उसका वेव फॉर्म देखो, उसको जब हम रेक्टिफायर से गुजारेंगे तो वो एक लगभग कांस्टेंट डीसी मिलेगा, लेकिन उसके बाद स्विचिंग करेंगे उसका तो जितने हर्ट्ज या जितने फ्रिक्वेंसी का हमको चाहिए वैसा हमको मिल जाएगा, फिर उसको दोबारा रेक्टिफाई करके हम लोग उसको यूज में लेते हैं, और अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मतलब उसका रिपल कंटेंट बहुत कम हो जाता है। हाँ अब इसको देख लियो, ये भी स्लाइड वेज इतना ही इंपॉर्टेंट है। SMPS जो स्विच, SMPS का मतलब है फुल फॉर्म, अगर कहीं नहीं मिला और किसी को नहीं पता हो तो लिख ले, यह है स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है, मतलब ये स्विचिंग मोड पे काम करता है, इसमें बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पर पल्स हम लोग करते हैं। देखिए पहला लिखा है यूज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी पल्स ट्रांसफॉर्मर मेक द साइज ऑफ SMPS वेरी स्मॉल एट नाइट। मान लो अगर हम SMPS अगर हाई फ्रीक्वेंसी का ना यूज करें तो उस केस में बल्कि हो जाएंगे, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर लगाने पड़ेंगे हमको, लेकिन इस वजह से वो हम आईपीएस को मॉड्यूलर बना पाए हैं और छोटा बना पाए हैं।
अभी इसमें लिखा है मैक्सिमम 5 रेक्टिफायर मॉड्यूल। अब जनरली 6 का डब्बा, 6 वहां लगाने की जगह होती है ना, जिसमें से 5 वर्किंग होता है, 1 हॉट स्टैंड बाई में भी हम लोग यूज करते हैं। और SMPS हमेशा आपको याद रखना है, SMR जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन यूज होता है किसमें, N+1 में हॉट स्टैंड बाई, लेकिन N+2 में एक एक उसका अलग रहता है कोल्ड स्टैंड बाई। हॉट बाई, हॉट स्टैंड बाई और कोल्ड स्टैंड बाई भी आपको पता होगा कि हॉट स्टैंड बाई वैसा अरेंजमेंट है जिसमें वो हमेशा सर्किट में लगा होता है, और खराब होने पे वो मतलब हमेशा ऑन लोड रहता है हॉट स्टैंड बाई। कोल्ड स्टैंड बाई सर्किट से अलग होता है, कोई खराब हुआ तो उसको हम रिप्लेस करते हैं, वो है कोल्ड स्टैंड बाई। बाकी रेटिंग कितनी रहती है, 110 और 20 एम्पियर। इसका ये रेटिंग 1 SMR मॉड्यूल की है, मतलब 1 SMR मॉड्यूल से मैक्सिमम हम 20 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर सकते हैं, वो 20 एम्पियर की लाइन है। उससे कम तो हम लोग लेते ही हैं, ज्यादा नहीं ले सकते, ज्यादा उसका कैपेसिटी उतना ही है। रेटिंग है 2.7 किलोवाट का। इस हिसाब से हम लोग जब लोड कैलकुलेट करते हैं तब उसमें काम आता है ये, बाकी कुछ नहीं है। तो इस केस में जो आपको याद रखना है रेटिंग SMR का, एक तो कॉन्फ़िगरेशन हॉट स्टैंड बाई में N+1 यूज करते हैं, दूसरा ये 20 एम्पियर मैक्सिमम कैपेसिटी, इनपुट तो 100, इनपुट कितना रहेगा 230, जो हम लोग इनपुट लेते हैं जनरली पावर सप्लाई अपनी वो है। ये क्या-क्या काम करता है पता है आपको, जैसा डायग्राम से आप देख लिए होंगे, डायग्राम अगर आपको दिमाग में है तो वहां से ये सारे पॉइंट है। 110 वोल्ट सप्लाई, 110 वोल्ट डीसी जो है, SM मतलब SMR क्या-क्या काम करता है, SMPS वाला मॉड्यूल क्या क्या वहां से उस पैनल से क्या क्या होता है। एक तो बैटरी बैंक को वो चार्ज करेगा, पॉइंट ऑपरेशन के लिए भी सप्लाई वहीं से जाएगी, एसी डिस्ट्रीब्यूशन पैनल को भी जाएगी, डीसी डीसी पैनल को भी वहीं से जाएगी, ठीक है। मिनी आईपीएस फॉर गुमटी, ये तो खैर अपने यहाँ यूज में नहीं है। इसमें ये दिखाया है कि कैसे कैसे सप्लाई है इसमें और क्या क्या यूज किए हैं। अच्छा, ये सेम एज वैसा ही है जैसा हम लोग कैलकुलेशन लोड के लिए किया था कि नंबर ऑफ SMR हम लोग कितने यूज करेंगे। जैसे मान लो हमने कोई स्टेशन डिजाइन किया है, मान लो मेरा जैसे कोई एक स्टेशन ले लो, जैसे कोई भी 4 लाइन का स्टेशन है, तो वहां जनरली आजकल EI लगने के बाद वहां का 25 से 30 एम्पियर के आसपास लोड होता है, ठीक है। तो अगर मान लो हमको 25 एम्पियर मेरा कंटिन्यूअस लोड है, तो कितने SMR हमको डिजाइन ऑन रखने चाहिए, इस बात का फॉर्मूला इसी से है, ठीक है। ये फॉर्मूला इसका है, समझो कि कितने SMR हमको चालू रखने हैं। जैसे बैटरी की कैपेसिटी मान लो 300 Ah की लगाए हैं, तो आप फॉर्मूला से देखते जाना, 300/10 करेंगे। 300/10 कहने का मतलब 30 प्लस DC लोड स्टेशन का कितना है, मान लो वो 30 एम्पियर का या 20 एम्पियर का लोड है तो उतना रखेंगे। मान लो कोई स्टेशन है 20 एम्पियर का लोड, 20 + इधर 30, 30 + 20 कितना हो जाएगा 50/20, 5/2 मतलब 2.5, 2.5 अगर आया है तो कभी भी हम SMR अगर डिजाइन करेंगे तो 2.5 आधा तो SMR डिजाइन कर नहीं सकते हैं, तो उससे हायर मॉड्यूल लेना पड़ेगा, मतलब 3 SMR हमको यूज करने पड़ेंगे, प्लस 1 हॉट स्टैंड बाई में यूज करना पड़ेगा। तो कुल मिला के टोटल 4 SMR हमको ऑन रखने चाहिए हमेशा, जैसे 5 आते हैं उसमें, लेकिन हमको मेरे स्टेशन के अकॉर्डिंग उसमें 4 होने चाहिए। तो आंख मूंद के कोई भी कहीं कोई 3 चला रहा है, कहीं 2 चला रहा है, कहीं 5 चला रहा है, ये ऐसा नहीं करना है। एक्चुअल में आपके स्टेशन के, आइडियली आपको स्टेशन के लोड के अकॉर्डिंग इसको सेट करना है IPS को, कि हम 3 चलाएंगे कि 4। अगर किसी का जैसे हमने एग्जाम्पल में बताया, अगर 20 एम्पियर DC वाले और 300 Ah बैटरी कैपेसिटी है, तो आपको 4 SMR हमेशा चालू रखने हैं। तो इस बात के लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। और एक स्टैंड बाई और कोल्ड में रखोगे तो 4 हो गया + 5, मतलब मिनिमम वहां 5 SMR होने चाहिए, जिसमें से 4 जो रहेगा सर्किट में ऑन रहेगा ऑलवेज, और 1 बंद रहेगा सर्किट में नहीं रहेगा। टोटल वहां 5 SMR चाहिए अगर 20 एम्पियर लोड है तो।
ठीक है, ये कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन तो आ ही सकता है, साथ में आप अगर वर्किंग में जहां हो वहां के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कितने एसएमआर ऑन रखते हो, किसी और से पूछना नहीं पड़ेगा। ठीक है, फंक्शन ऑफ ये, वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं। हाँ बेटा अभी जाओ। आजा। ठीक है, ये और है, ठीक है, ये बैटरी, और एक है उसमें एसीडी जो पैनल है अपना, उसमें एक सीएसी कंट्रोल यूनिट होता है जो बाकी कंट्रोलिंग करता है सबको। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, यही एक फंक्शन है जो हम लोग बाकी चार्जर वगैरह में कहीं हमको नहीं मिलता था, सीएसयू सुपरवाइजरी एंड कंट्रोल यूनिट। इसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं, कोई भी अगर मॉड्यूल मेरा खराब होगा तो अलार्म आएगा, सिस्टम को कितना वोल्टेज कम पे सेट करना है, हायर पे सेट करना है, मेरा करंट रेटिंग सेट करना है कि जैसे 200 AH के लिए है तो मैक्सिमम कितना करंट ड्रॉ करे, मतलब सबका लिमिट हम यहाँ से सेट कर सकते हैं एक तरीके से। तो साथ ही जैसे मेरा जो भी रिमोट कंट्रोल वाली बात है कि रिमोट मॉनिटरिंग कर सकते हैं, वो भी सेम सीएसई यूनिट से होता है। साथ में स्टेशन मास्टर को जो हम इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि आपके बैटरी का वोल्टेज इतना है और कोई एक प्रॉब्लम है जैसे कॉल एसएनटी आ रहा है अलार्म, तो सारे अलार्म हम इसी सीएसई यूनिट से देते हैं। आशी छोड़ दोस्तों, इसमें एक चीज और है कि अगर हम लोग एलएमएल बैटरी यूज कर रहे हैं तो 1.8 वोल्ट पर सेल अगर आ जाएगा तब वो बैटरी डिस्कनेक्ट, मतलब डीप डिस्चार्ज होने से बैटरी को बचा भी सकता है आईपीएस, क्योंकि 1.85 वोल्ट जैसे ही आएगा उसके बाद वो बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देगा। ठीक है, अच्छा ये जो है एलईडी का है टेम्परेचर, और उस पे इसका ज्यादा वो है नहीं। ये बीपीसीएल एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, पता नहीं किसी को मालूम है कि नहीं। ये बीपीसीएल पता है क्या है, बैटरी पाथ करंट को लिमिट करता है। इसमें ना एक ये इसलिए भी मैं बताना चाह रहा हूँ सबको कि जब कभी आप अगर अपने आईपीएस पे बैटरी पे काम कर रहे हो तो बहुत वो है कि आप ना इसको बीपीसीएल को जीरो कर दिया करो। कारण इसका है, ये उस बात का लिमिट है कि बैटरी से जो करंट आ रहा है या बैटरी को जो करंट जा रहा है उसको ये आईपीएस के जरिए हम लिमिट कर सकते हैं। मान लो कि हमको बैटरी बदलना है, ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि बैटरी डिस्कनेक्ट करें, तो देखो हमेशा बैटरी डिस्कनेक्ट करने से पहले ये जो बीपीसीएल पैरामीटर है इसको आप जीरो कर दो। इससे होगा क्या कि ना ही तो बैटरी के साइड में कोई करंट जाएगा चार्जिंग के लिए, ना ही बैटरी से कोई लोड पे करंट होगा। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है, अगर आपके एसएमआर और मतलब इनपुट सप्लाई फ्लक्चुएट करेगी तो आउटपुट भी आपका एसएमआर वगैरह फ्लक्चुएट कर जाएगा, उस केस में आपके इक्विपमेंट फेल होने के चांस रहे। लेकिन सेफ्टी इस बात के लिए है कि आपका चूंकि बैटरी से कोई भी करंट आ नहीं रहा है जा नहीं रहा है, तो जो बैटरी मेंटेनेंस में जैसे कोई आपने नट बोल्ट खोला है तो उसको लगाने में स्पार्किंग बहुत रिड्यूस हो जाएगी, वो उतना ही स्पार्क होगा जितना आप झेल पाओगे, मतलब चूंकि करंट ड्रॉ हो नहीं रहा है तो वो स्पार्किंग बहुत ज्यादा नहीं होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 300 के लिए जैसे आपको याद रखना है कि बीपीसीएल की लिमिट जनरली 22.5 एम्पियर बुक में तो दिया है, लेकिन जनरली इसको हम 20 एम्पियर पे लगा के रखते हैं कि बैटरी से जो करेंट हो वो 20 एम्पियर तक ड्रॉ हो। लेकिन इसको ये चेंजेबल वेरिएबल है, मतलब आप चेंज कर सकते हैं अपने स्टेशन के अकॉर्डिंग कि आपको कितने से बैटरी से करंट ड्रॉ करने हैं या बैटरी को कितना देना है। ठीक है, तो उसके लिए ये बीपीसीएल बहुत इंपॉर्टेंट है पैरामीटर। ये तो हो गया लगभग सारा चीज, इसमें से बता दिया है मैंने।
अब आ जाते हैं इन्वर्टर पे। इन्वर्टर में भी सेम चीज है, इन्वर्टर का हम हमेशा एक ही चीज बार बार बता रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। इनपुट इसका तो हमेशा 110 वोल्ट डीसी होगा, लेकिन आउटपुट हमेशा 230 वोल्ट एसी होगा। और ये जो 230 वोल्ट एसी है वो किसको दिया जाएगा? वो दिया जाएगा ट्रांसफार्मर को, वो अपना स्टेप डाउन करके वो फिर से 110 वोल्ट एसी में बदल के सिग्नल को देगा, ठीक है? और बाकी जहां भी हमको सप्लाई चाहिए वहां देंगे। इन्वर्टर हमेशा एन प्लस वन स्टैंडबाई में होगा, एन प्लस वन। और जो चेंज ओवर का टाइमिंग है वो 60 मिली सेकेंड, मतलब फर्स्ट इन्वर्टर आपका फेल हुआ है तो विद इन 60 मिली सेकेंड वो दूसरे पे जाना चाहिए। अगर ये टाइम ज्यादा भी है तब भी दिक्कत है, इस केस में सिग्नल ब्लैंकिंग हो सकता है, ड्राइवर नोटिस कर ले जब आपका चेंज ओवर हो। इसीलिए पुराने नए आईपीएस में ये प्रॉब्लम नहीं है, उसमें टाइम को 60 मिली सेकेंड से कम कर दिया गया है। पुराने आईपीएस में ये प्रॉब्लम था और हम लोग सावधानी रखते थे कि जब सिग्नल ना दिया हुआ हो, कोई गाड़ी ना हो, तभी हम इन्वर्टर का चेंज ओवर करके देखें। नए आईपीएस में आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि आप कर भी लेते हो कभी कभी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वैसे एडवाइस अभी भी की जाती है कि आप स्विच ओवर करके तभी देखो जब कोई गाड़ी को सिग्नल ना दिया हुआ। लेकिन अब इक्विपमेंट ऐसे डिजाइन है वो कि विद इन 60 मिली सेकेंड वो दूसरे पे लोड पे आ जाएगा, और इस बात को ड्राइवर कभी नोटिस नहीं कर पाएगा कि मेरा सिग्नल ब्लैंक हुआ था। उस हिसाब से ये पैरामीटर बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ बेटा जा, जाओ अभी आ जाओ, क्षण आ जाओ, देखो दीदी बुला रही है, आओ जल्दी जल्दी आओ, ठीक है? इसी तरह नेक्स्ट जो है, तो ये इन्वर्टर का केस बहुत इम्पोर्टेंट है। 30-20 से कम में अगर वो आ रहा है आपका, उससे ज्यादा टाइम ले रहा है, इसका मतलब इन्वर्टर का जो स्विच ओवर फंक्शन है उसमें प्रॉब्लम है। इसी तरह एसीडीपी जो पैनल है उसमें क्या क्या रहता है आपको पता होगा। एक तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जिससे जनरली हम सिग्नल को सप्लाई देती हैं। इन्वर्टर जो होता है कितनी कैपेसिटी का होता है इसको आप ध्यान रख लो, ये बहुत पूछे जाते हैं, जनरली किसी को पता नहीं होता। उसका आउटपुट जो है इन्वर्टर का हमेशा 230 वोल्ट एसी है, और उसका जो कैपेसिटी है वो 1.5 KVA का है, 1.5 किलो वोल्ट, मतलब 1.5 किलो वोल्ट एम्पियर, ठीक है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है सिग्नल के लिए कितने यूज करते हैं सबको मालूम होगा, एक लेस देन 600, ग्रेटर देन 600, साउथ और नॉर्थ के लिए, मतलब टोटल जनरली हम लोग चार सिग्नल ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, और फिर ट्रैक के लिए इसी तरह यूज करते हैं। उससे भी बाद में एक और नीचे में होता है एवीआर, जिसको हम कभी कभी सीबीटी भी कहते हैं, कॉन्स्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। वो एक्चुअल में ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर एवीआर भी है। वो जब कभी मान लो मेरा इन्वर्टर जो है फेल हो जाता है, मतलब पहला इन्वर्टर फेल हुआ फिर दूसरा इन्वर्टर फेल हुआ, तो डायरेक्ट लोड कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? एवीआर पे। एवीआर पे जो कि हमने पहले डायग्राम में आपको दिखाया था कि 230 वोल्ट से डायरेक्ट एवीआर को सप्लाई जाती है, ठीक है? तो ये वहां से फिर ट्रांसफार्मर को फीड होके 110 वोल्ट की सप्लाई वहां से सिग्नल को जाएगा, और सिग्नल ब्लैंक नहीं होंगे अगर मान लो इन्वर्टर कभी फेल भी हुआ तो। अब इन्वर्टर के बाद एवीआर भी जब फेल होगा तब जाके सिग्नल ब्लैंक होंगे। यहाँ देखो ये लिखा हुआ है कि आउटपुट ऑफ इन्वर्टर फेड टू अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो इन्वर्टर को, इन्वर्टर जो है उसका आउटपुट हमेशा जाएगा इनपुट में। किसके इनपुट में? जो ट्रांसफार्मर है हमारे, जितने भी ट्रांसफार्मर है, चाहे वो सिग्नल के लिए हो या ट्रैक के लिए हो। पहले पुराने टाइम में इन्वर्टर की आउटपुट को ना ट्रैक में नहीं देते थे, लेकिन नए जो भी आईपीएस डिजाइन होके आ रहे हैं उसमें जो इन्वर्टर का आउटपुट है ट्रैक के लिए, जो ट्रांसफार्मर है उसके लिए भी दे रहे हैं, ठीक है? तो ये कंफ्यूजन मत रखना कि इसका इनपुट नहीं देते हैं। पुराने डिजाइन में ये नहीं देते थे, लेकिन नए में हम इन्वर्टर, चूंकि दो 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 सेट वाले अब इन्वर्टर आ रहे हैं, उन दोनों को देते हैं।
बाकी यहाँ से वही है जो हमने शुरू में दिखाया था, उसी का थोड़ा डिटेल रूप है कि आप देखो 230 वोल्ट सप्लाई लाए, एक तो डायरेक्ट एवीआर ट्रैक को और एवीआर सिग्नल को गया, साथ में 110 वोल्ट एसएमआर से जो आया है वो इन्वर्टर को फीड किया है हमने, इन्वर्टर से 230 वोल्ट सप्लाई आई है, उसको स्टेप डाउन, इसको थोड़ा ले जाना पकड़ के, जा बेटा अभी तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को फीड कर रहे हैं हम 230 का आउटपुट। तो ये उसी का डायग्राम है डिटेल, इन्वर्टर का है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें एक जो डिटेल दिया गया है, एक इसमें पीडब्ल्यूएम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज करते हैं हम लोग डीसी-डीसी जो कन्वर्टर है उसमें, और फिल्टर, ये खैर डिटेल है, इससे आपके क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे जनरली। और इन्वर्टर एंड सीवीटी का ये भी आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि इन्वर्टर 1, 2 और सीवीटी तीनों कनेक्टेड है 230 के आउटपुट से, मतलब इन्वर्टर 1 फेल होगा तो लोड डायरेक्ट इन्वर्टर 2 पे जाएगा, इन्वर्टर 2 भी फेल होगा तो सीवीटी पे जाएगा। और ये जो फंक्शन है ऑटो चेंज ओवर का, ये एक सेंसिंग एंड कंट्रोल यूनिट होता है। जनरली हम कहते हैं कि ऑटो चेंज ओवर कार्ड खराब हो गया, तो ये कार्ड वही है जो सेंस करता है कि किसमें इनपुट अवेलेबल है, आउटपुट जिसका अवेलेबल नहीं होगा तो उसको कट करके अपने आप ऑटोमेटिक ट्रांसफर करता है। तो इसके लिए एक कार्ड लगे होते हैं जिसको कहते हैं हम लोग चेंज ओवर कार्ड। और किसी को अगर ध्यान होगा तो पीछे चेंज ओवर कार्ड के पैरेलल में मैनुअल भी लगे हुए हैं, मतलब या तो आप उसको ऑटो मोड पे रखोगे तो ऑटो में काम करेगा, इन्वर्टर 1 पे रखोगे तो इन्वर्टर 1 काम करेगा, इन्वर्टर 2 पे रख सकते हो और डायरेक्ट सीवीटी पे रख सकते हो। ये तीनों फंक्शन एक कार्ड के जरिए होता है, ठीक है, तो वो पीछे लगे रहते हैं जनरली आईपीएस में। तो ये वही है जो तीनों को स्विच करता है। मान लो कि उसको आपने मैनुअल कभी इन्वर्टर 1 पे गलती से भी कर दिया तो कभी भी ऑटोमेटिक लोड ट्रांसफर नहीं होगा, 1 आप बंद भी करोगे तो इन्वर्टर 2 पे लोड नहीं जाएगा। तो ये हमेशा अपने को काम कब आता है, कभी कभी मान लो कि इन्वर्टर 1 में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि इन्वर्टर 1 की वजह से 2 का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो ऐसे केस में बाईपास करने में ये मदद करता है। और मान लो हमको इन्वर्टर 1 में कुछ प्रॉब्लम है, 2 को भी फेल कर रहा है वो बार बार, चूंकि इंटरकनेक्शन होता है, तो उस केस के लिए आप सीवीटी पे डायरेक्ट बाईपास कर दो, चलने दो जब तक कि वो आईपीएस अटेंड ना हो जाए। तो उसके लिए दिखाया है इन्वर्टर कार्ड। एसीडीपी के ब्लॉक डायग्राम हमने अब लगभग एक्सप्लेन कर दिया है कि इन्वर्टर 1, इन्वर्टर 2 और एवीआर से कैसे सप्लाई आउट होती है, और वो सारे 230 वोल्ट ट्रांसफार्मर जितने हैं सबको इनपुट जाएगी, उससे आउटपुट निकलेगा। अब इन्वर्टर का इनपुट हमने बताया 110, आउटपुट बता दिया 230, और यही आपको मेनली याद रखना है। एवीआर वो सिंपल ट्रांसफार्मर होता है, मैग्नेटिक कपलिंग के जरिए वो देता है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, ये सिंपल ट्रांसफार्मर है, एक आप ऐसे समझो जिसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग है एक सेकेंडरी वाइंडिंग है बस। ये है आपका एवीआर का व्यू, फ्रंट और बैक व्यू। फ्रंट में आपको ये ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग दिख रहे हैं, बैक में आपको कुछ कैपेसिटर देख रहे हैं जो वोल्टेज रेगुलेटर के लिए काम करते हैं, जो वोल्टेज रेगुलेटर वोल्टेज के फ्लक्चुएशन को वो रिड्यूस करते हैं। ये ट्रांसफार्मर मॉड्यूल इनपुट, चूंकि आईपी जो इन्वर्टर की सप्लाई थे इसके लिए इनपुट रहता है, तो 230 उसके इनपुट होते हैं, आउटपुट रहेगा 110 वोल्ट, और कैपेसिटी 500 भी है, ठीक है। इसमें 500 VA पे हम आप लोड फिर कैलकुलेट जब करोगे तो ये आता है कि ये कैपेसिटी कब हमको बढ़ानी पड़ेगी। तो 500 VA से वोल्ट एम्पियर है, आप ऐसे समझो। तो अगर आप एक 5 एम्पियर का करंट, मतलब मान लो 110 पे कोई ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है, कोई भी इक्विपमेंट अपना 110 वोल्ट पे अगर ऑपरेट कर रहे हो और 500 VA का ट्रांसफार्मर है, ठीक है, तो इसको आप ना 500 को 110 से डिवाइड कर लो, मतलब मैक्सिमम 4.54 आता है, तो मैक्सिमम 4 एम्पियर
ऐसा मान लो 4.5 एम्पियर से ज्यादा का करंट आप इस पे इससे नहीं ड्रॉ कर सकते हो। तो जैसे ही आपका लोड 4.5 एम्पियर से ज्यादा वाला होगा तो आपको ये कैपेसिटी जो है 500 VA के ट्रांसफार्मर नहीं लगेंगे, वहां पे ये काम नहीं आएगा। जिसके यहाँ भी अभी काम चल रहा होगा अगर नए EI का, वो जरा ध्यान दे लेना कि अगर आपका गेट जो है इन्वर्ट ट्रांसफार्मर से उसकी सप्लाई दी गई है, जो जनरली गेट में आजकल आ रहे हैं कि गेट को भी हम लोग जो है इन्वर्टर इसी से सप्लाई दे रहे हैं, इन्वर्टर पे लोड रख के और ट्रांसफार्मर से दे रहे हैं, तो उस केस में अगर गेट आपका 4.5 एम्पियर से ज्यादा करंट लेने वाला है, जो कि ग्लोबल के सारे गेट लेते हैं आजकल, तो उस केस में आपको ये जो ट्रांसफार्मर है उसकी कैपेसिटी हमेशा इंक्रीज करवानी पड़ेगी और ये 500 VA की जगह 1000 VA का वो लेना चाहिए। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन समझ में आ गया कैसे लोड कैलकुलेट करेंगे? कोई बताएगा समझ में आया कि नहीं? आवाज आ रही है ये भी पता चलेगा मुझे। हेलो, आ रही है सर? आ रहा है, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ये कोई बताएगा नहीं कभी, क्योंकि वर्किंग में हम लोग इतने बिजी होते हैं कि किसी को ध्यान नहीं रहता। ठीक है, तो ये जब इनिशियल टाइम में आप अगर चेंज नहीं करवा पाओगे तो आपके पास गेट में सप्लाई की समस्या रहेगी। अभी GC लाइन नया कमीशन हुआ है, उसमें हमने सब जगह देखा, हर जगह गेट की सप्लाई दे दी गई है ट्रांसफार्मर से, हर जगह 500 VA का ट्रांसफार्मर है, लेकिन वो लोग चेंज करेंगे अभी ऐसा कहा गया है। DC डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, इसमें खास कुछ है नहीं, इसमें DC में बस ये है कि वो 110 वोल्ट जो इनपुट है, तो इनपुट इसका हमेशा 110 होगा और आउटपुट एज पर रिक्वायरमेंट होगा। जैसे अपना 24 वोल्ट के भी मॉड्यूल है, 60 वोल्ट के भी मॉड्यूल है और 110 वोल्ट के भी मॉड्यूल है। पता नहीं 110 वोल्ट का मॉड्यूल किसी ने देखा है कि नहीं, ये जनरली हम लोग यूज करते हैं जहां पे हमको 110 की सप्लाई पुराने में, अब तो मेरे ख्याल से झांसी डिवीजन में होगा नहीं यूज में। मेरे टाइम जब मैं झांसी में था और ब्रांच लाइन देखता था, मतलब तब डायोड ब्लॉक हुआ करते थे, उसके लिए 110 वोल्ट सप्लाई चाहिए होती थी, उस केस में ये DC मॉड्यूल हम लोग 110 वाले भी यूज करते हैं। DC कन्वर्टर में ज्यादा कुछ होता नहीं है, सिर्फ 3 इंडिकेशन होते हैं, इनपुट ऑन, आउटपुट ऑन और कन्वर्टर फेल। यह स्टेटस मॉनिटरिंग पैनल है, इसका डिटेल अभी ये है, ये आपको याद रखना है कि कॉल एसएनटी किसी भी फेलियर में कॉल एसएनटी आना चाहिए। मान लो आप IPS का वो पोटेंशियल फ्री कॉन्टेक्ट वेरीफाई करवा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कौन सा कब आना चाहिए, और पोटेंशियल फ्री कॉन्टेक्ट के लिए भी साथ में जो इंडिकेशन स्टेशन मास्टर को आते हैं उसके लिए पहला जो कॉल एसएनटी है वो हर केस में आएगा, चाहे किसी भी रिलेटेड फेलियर हो कुछ भी, तो कॉल एसएनटी आएगा। वो कोई मतलब नहीं है कि एक SMR बंद है, कि आपका एक इन्वर्टर फेल है, कि DC मॉड्यूल फेल है, कुछ भी फेल होगा तो कॉल एसएनटी का इंडिकेशन जल जाएगा। स्टार्ट जनरेटर कब जलेगा? जब DOD की जो बात हमने आपको बताई थी कि बैटरी को कहां तक डिस्चार्ज कर सकते हैं, जब डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज ऑफ बैटरी 50% पे जाएगा तो सबसे पहले किसका आएगा? स्टार्ट जनरेटर। जैसे ही बढ़ेगा 50 से 60 होगा तो इमरजेंसी स्टार्ट जनरेटर का इंडिकेशन आना चाहिए। 60 से जैसे ही 70 होगा, 70 पे सिस्टम शटडाउन होगा। ठीक है, लेकिन अगर जनरेटर जो है स्टॉप जनरेटर का कब आएगा? जब भी आपका कोई भी मॉड्यूल है वो फ्लोट मोड में, दो बूस्ट मोड से फ्लोट मोड में जैसे ही चला जाएगा, मतलब बैटरी इतना चार्ज हो जाएगा कि वो फ्लोट मोड से बूस्ट मोड में चला जाएगा, तो आपका स्टॉप जनरेटर का इंडिकेशन आ जाएगा। इसमें बैटरी कितना चार्ज हुआ इससे रिलेटेड नहीं जाएगा, ये डिपेंड करेगा कि आपका फ्लोट मोड कितने पे सेट है। ठीक है, तो ये जो 5 पैरामीटर है आपको याद रखना है, 50% पे स्टार्ट जनरेटर, 60% इमरजेंसी स्टार्ट जनरेटर, 70% पे सिस्टम शटडाउन। लेकिन सिस्टम शटडाउन में भी ये केस है कि जो सिस्टम शटडाउन करेगा वो 70% पे सिर्फ AC वाली जो सप्लाई है उसको कट करेगा, और 80% पे DC कन्वर्टर भी फेल हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी एक ऐसा है जो चलाता रहेगा, वो है
ब्लॉक फोन, ठीक है, ब्लॉक फोन जब तक आपकी बैटरी में जान है जब तक ब्लॉक फोन डिस्कनेक्ट नहीं होगा। ब्लॉक फोन के लिए जनरली हम एक मॉड्यूल रखते हैं तो उसकी जो सप्लाई है वो कभी नहीं होगा, ठीक है। ये डेटा लॉगर के लिए जो पोटेंशियल फ्री कॉन्टेक्ट है कितने नंबर के हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। 7 टोटल पोटेंशियल फ्री कॉन्टेक्ट होते हैं, इन्वर्टर 1 फेल, इन्वर्टर 2 फेल, ये FRBC जो लिखा हुआ है जनरली उस पर लिख के आता है, SMR फेल, DC-DC कन्वर्टर फेल, मेंस फेल, कॉल SNT और बैटरी लो। बैटरी लो 50% डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है। लेकिन ये जो 105 वोल्ट था 50% आजकल अपने डिवीजन में चेंज करवाए जा रहे हैं, 107 और 8 पे करवाए गए हैं, ठीक है। अर्थ रेजिस्टेंस सबको पता है, लेस देन 1 ओम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। RDSO स्पेसिफिकेशन अर्थिंग का है वो रहना ही चाहिए, एक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के लिए लेस देन 1 ओम। बैटरी कौन सा यूज करेंगे, लो मेंटेनेंस, ठीक है, ये हमने बताया था IRS 88, ठीक है। वर्ला भी यूज कर लें, VRL है, लेकिन हम लोग बहुत यूज करते हैं। डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज ये पहले भी आया था कि 50% है VRLA के लिए, 80% है LMLA के लिए। कैपेसिटी ऑफ सेल आपको पहले भी बता चुके हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले अपना लोड करेंट मल्टीप्लाई बाय बैकअप टाइम, हमको कितना बैकअप टाइम चाहिए, बटा डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज कि कितना परसेंट तक हम कौन सा बैटरी यूज कर रहे हैं। VRLA लेंगे तो यहाँ 50% और यहाँ LMLA के केस में 0.8 या 80% लेंगे। ये एक फीडर केबल का भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ये कभी कभी पूछे जाते हैं। अगर आप 120 एम्पियर की एम्पियर आवर की बैटरी यूज कर रहे हो तो 10 square mm की कॉपर केबल होनी चाहिए, कौन सी, जो बैटरी से IPS को जा रही है, ठीक है, उसको फीडर केबल कहते हैं। साथ में अगर 200 AH की है तो 16 square mm से कम का कॉपर केबल नहीं लगना चाहिए, और 300 square mm का है तो 25 square mm से कम का नहीं है, 10, 16 और 25 है, 120, 200 और 300 में, ठीक है। इसमें तो मेरे ख्याल से और कोई फैक्टर नहीं बचा, हमने सब बता दिया है। वो इसमें एग्जांपल में थोड़ा वो है डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज कैलकुलेट करने का, जैसे 105 पे क्यों सेट था अपना, वो आप ऐसे समझ लो, इससे देख सकते हो कि 110 वोल्ट माइनस 8.25 वोल्ट और उसका 50% DOD है, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है ना 8.25, जैसे 110 वोल्ट है 1.85 में 55 बैटरी का मल्टीप्लाई करेंगे, इतना समझो कि ये 1.85 बैटरी का डेप्थ ऑफ जो है लास्ट इंड पॉइंट वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय 55 तो वो आ जाएगा 8.25, ठीक है। यहाँ 110 गलती से लिख गया, DOD में 8.25 वैल्यू आएगा, तो वोल्टेज बैंक 50% डिस्चार्ज के बाद कितना हो जाएगा आपको, इस कैलकुलेशन से डायरेक्ट आ रहा है 105.9, मतलब जब आपका 105.9 लगभग 106 वोल्ट पे जब रहेगा तब आपका 50% डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज आ चुका है, उसको पहले बाय फैक्ट्री से वो 105 पे सेट होके आता है, उसको आजकल हम लोग 107 कर रहे हैं, ठीक है। 60% डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज पे कितना आ जाएगा कैलकुलेशन, 105 वोल्ट पे आ जाएगा, और 70% पे इसी तरह कैलकुलेट करेंगे, वो एग्जांपल है आप देख लो। ये एक अब जनरली फोर लाइन स्टेशन में कौन कौन से मॉड्यूल होते हैं उसके हिसाब से ये ब्लॉक डायग्राम है। ये विदाउट AFC TC हरी एरिया में कौन कौन से कन्वर्टर यूज होते हैं आप देख लो यहां से, अपने स्टेशन के हिसाब से देख लेना, ये तो कुछ भी नहीं है। जैसे रिले इंटरनल, जनरली रिले एक्सटर्नल यूज होता ही है, एक्सल काउंटर, पैनल इंडिकेशन, पॉइंट मशीन, मैग्नेटोफोन के लिए जनरली आजकल यूज नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक लाइन, अप एंड डाउन, स्पेयर सेल। इसमें से आपको कैपेसिटी ये ध्यान रखनी है कि वोल्टेज तो सबको जनरली पता होता है, ये 1 एम्पियर के मॉड्यूल जनरली हम लोग ब्लॉक के लिए यूज करते हैं बस, और एक होगा बाकी सब के लिए हम लोग 5 एम्पियर मॉड्यूल जनरली यूज करते हैं। सॉरी,
ठीक है। तो ये था पूरा आईपीएस, बाकी मेंटेनेंस आईपीएस में हम लोग करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा पूछ लें कि आईपीएस में किसी और को कुछ पूछना हो यार तो पूछ लो अभी, नहीं तो हम लोग थोड़ा आगे मेंटेनेंस देख लेते हैं। आगे बढ़े कि कोई सवाल आईपीएस पे कुछ और पूछना हो इससे, जहां कि मैंने इनपुट दिया है आप 160 वोल्टेज से 275 वोल्टेज। हां हां बिल्कुल, लेकिन कहीं दोनों ऑप्शन में आया 150 वोल्ट एसी से 270 वोल्ट एसी है, फिर किस पे टिक मारा जाए? नहीं नहीं दोनों तो अगर नहीं आएगा, वैसे इतना क्लोज ऑप्शन तो नहीं दिया जाएगा, फिर भी अगर आए तो 160 वाला हम इसमें देख लेते हैं। इसका ना तुम वही मारो जो क्या कहते हैं जो आईपीएस जिस कंपनी का है उसका एक बार मैनुअल उठा के देख ले हम लोग, ठीक है? आईपीएस में 160 वोल्ट 275 दिया है। हाँ तो बस आप 160 275 ही मारो, ठीक है? वो 150 को ना मान के 160 मारो, ठीक है? आईपीएस के जो भी वो है ना, जैसे मान लो अमर राजा है, अमर राजा का एक बार मैनुअल उठा के देख लो, वैसे जनरली 160 275 मारोगे वो सही होगा। और कोई अब बिल्कुल इतना क्लोज नहीं देगा कि तुमसे कोई दे दे कि 150 और 270, इतना क्लोज ऑप्शन नहीं रहेगा क्योंकि उसमें और कंफ्यूजन होगा। क्योंकि 150 हाँ वो 150 ही है मिलता है, इसीलिए कह रहे हैं कि अगर 150 वाला भी ऑप्शन है तो उसको भी गलत नहीं मारना। अगर वो ऑप्शन मिल रहा, अगर दोनों मिल रहा है तब तो आप 160 वाला मारना, ठीक है? क्योंकि आईपीएस के उसमें हमने भी पढ़ा है कि 160 से है, लेकिन अगर मान लो कि 160 वाला ऑप्शन ना आए तो ऐसा मत करना कि 150 वाला छोड़ देना, ठीक है? 150 वाला भी मारना है। चलो थोड़ा सा मेंटेनेंस देख लेते हैं सर। हाँ एक क्वेश्चन था, यदि इंटरनल सप्लाइड का लोड करंट 11 एम्पियर है, हाँ तो हम उसमें कितने मॉड्यूल लगा सकते हैं सर? हाँ देखो अपना जो मॉड्यूल होता है वो कितने एम्पियर का होता है? 5 एम्पियर का, ठीक है? 5 एम्पियर का होता है सर। हाँ जनरली 10 एम्पियर के मॉड्यूल अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो स्पेसिफिकेशन में है कि अगर आप डिजाइन में मांगोगे तो मिलेगा, ठीक है? लेकिन अभी तक नहीं आए हैं कहीं। तो मान लो हम 5 एम्पियर का मॉड्यूल यूज कर रहे हैं तो हमको 11 एम्पियर लोड, हाँ बता रहे हैं, 11 एम्पियर लोड को कैटर करने के लिए हमको कितना मॉड्यूल चाहिए? 3 मॉड्यूल, ठीक है? ठीक है, 5 × 10 और फिर 5 × 15, मतलब टोटल 3 मॉड्यूल हमको चाहिए। लेकिन चूंकि मेरा प्रोविजन है कि हमेशा n+1 में लेना है, यहाँ जो 3 आया वो n का वैल्यू है, ठीक है? तो n+1 मतलब 11 एम्पियर के लिए आपको 4 मॉड्यूल लगाने। हाँ सर, लेकिन इंटरनल सप्लाई है तो n+2 का कॉन्फ़िगरेशन में चलेगा। हाँ अगर इंटरनल सप्लाई की बात हम करें, ये एक्सटर्नल के लिए है, अगर इंटरनल सप्लाई के लिए है तो फिर n+2 कॉन्फ़िगरेशन में चलेगा, n+2 में वो फिर 3+2 मतलब 5 लेंगे, ठीक है? तो ये हम शायद मिस कर गए हैं कि इंटरनल में हमेशा n+2 लेंगे, एक्सटर्नल में हमेशा, मतलब सिर्फ इंटरनल को आप याद रखो कि वही n+2 लेते हैं, बाकी सब जगह n+1 लेंगे, ठीक है? और कोई कुछ पूछ रहा था? कोई ऐसे वाले आगे बढ़ जाएं? चलो ठीक है हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है? देखो वैसे मेंटेनेंस में बहुत ज्यादा नहीं है कुछ भी, अगर आपका बहुत ज्यादा फेल हो रहा है आईपीएस में तो आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आईपीएस ऐसा डिजाइन है कि जनरली फेल नहीं होते। जैसे मान लो आपके एसएमआर फेल हो रहा है, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है, जहां प्रॉब्लम है, जैसे हो सकता है कि आपका इनपुट वोल्टेज बहुत फ्लक्चुएशन होता होगा, आउटपुट लोड में जनरली फ्लक्चुएशन होता नहीं है क्योंकि हमारी सिग्नलिंग सप्लाई है, या आपका एफआर मतलब जो सीएसयू, अगर सीएसयू भी खराब हुआ ना तब भी ये प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है? तो कुछ भी अगर फ्रीक्वेंट फेलियर हो रहा है तो पहला तो ध्यान देना है कि क्यों हो रहा है, कारण उसका ढूंढना पड़ता है। उसमें भी सबसे ज्यादा जो आईपीएस में हमने इश्यू देखा है कि आपको जो डस्ट है, डस्ट प्रिवेंट करना है, पहला तो प्रिवेंट करना है, दूसरा वो डस्ट हटवाने हैं। जब भी वो मेंटेनेंस में अगर हम लोग कर रहे हैं, मान लो अगर अब तो जाके आगे जहां तक है कि वो खत्म होने वाला है एएमसी, तो अपने को भी करना है, तो सबसे पहला तो वो जो डस्ट का इशू है
क्योंकि उससे ही डस्ट से, फिर डस्ट जैसे ही इक्विपमेंट में जलते हैं तो हीट ज्यादा जनरेट होता है, हीट जैसे ही जनरेट होगा तो वो फेलियर फ्रीक्वेंट देंगे, क्योंकि हीट जैसे ही ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के पैरामीटर चेंज हो जाते हैं, तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, इस वजह से वो फेलियर देते हैं। तो रिमेडी उसमें बहुत सारा है। मेंटेनेंस में जनरली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है, जो जनरली इग्नोर करते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। वोल्टेज तो आप सब लोग एडजस्ट कर लेते हो, लेकिन अपने को ना करंट शेयरिंग, हमेशा करंट शेयरिंग पे ध्यान देना है। जैसे मान लो एन प्लस टू या एन प्लस वन के मॉड्यूल में अगर हमको पांच मॉड्यूल, चार मॉड्यूल या तीन मॉड्यूल लगे हैं डीसी डीसी कन्वर्टर के, तो आपको मेंटेनेंस के टाइम ऑलवेज, अगर मान लो कोई कन्वर्टर आपका बार बार फेल हो रहा है, तो वहां आपको हमेशा करंट शेयरिंग चेक करना है, मतलब सारे मॉड्यूल पे करंट इक्वल आ रहा है कि नहीं। हर पैरामीटर में जो देखते हैं, जनरली लोग क्या करते हैं कि वोल्टेज देखते हैं, वोल्टेज कम होता है उसको एडजस्ट कर देते हैं। वोल्टेज एडजस्टमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपका किसी कारण से मॉड्यूल में किसी इंटरनल फॉल्ट की वजह से करंट, दोनों मॉड्यूल का करंट सेम नहीं हो रहा। आप वोल्टेज खूब इक्वल कर लो, और अगर करंट सेम नहीं है तो कोई फायदा नहीं है वोल्टेज इक्वल करने से। इसलिए कभी भी आप ना वोल्टेज एडजस्ट करने के बाद करंट शेयरिंग जरूर देखना है। जनरली एएमसी में जो एसआई लोग हैं वो तो करवाते हैं, पता नहीं आपके यहाँ होता है कि नहीं। मैं जहां भी एएमसी करवाता हूँ, करंट शेयरिंग सबसे पहले चेक करवाता हूँ जितने मॉड्यूल हैं, कि आपस में करंट इक्वल शेयर होना चाहिए। अगर ये इक्वल शेयरिंग नहीं है तो बहुत परेशानी है। मतलब एक तो कि जैसे ही लोड ट्रांसफर, एक मॉड्यूल आपका लोड पे रहेगा ही नहीं जिसका करंट कम रहेगा, तो पहला मॉड्यूल अगर खराब हुआ तो दूसरे पे लोड ही ट्रांसफर नहीं हुआ। या हॉट स्टैंड बाई में अगर दूसरे पे लोड नहीं है अगर, तो वो जाहिर सी बात है हॉट स्टैंड बाई में काम नहीं कर रहा है, पहला मॉड्यूल खराब होगा आपका और वैसे ही आपका सिग्नलिंग सिस्टम फेल हो जाएगा, क्योंकि दूसरा जो मॉड्यूल था वो शेयरिंग में था ही नहीं। तो ये चेक करना बहुत जरूरी है। सेम चीज होता है एसएमआर के साथ। अगर एसएमआर आपके पांच चल रहे हैं तो ऑलमोस्ट पांचों में इक्वल करंट शेयरिंग होना चाहिए। मतलब दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है आधा एम्पियर का, लेकिन बहुत ज्यादा वाइड डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो वो एडजस्टमेंट जो है वो हमेशा करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये कभी भी अनइक्वल ना होने पाए। ठीक है, बाकी जो इनपुट और आउटपुट वोल्टेज है वो तो अपने रेंज में होने चाहिए, करंट का लिमिट रहता ही है। जैसे अभी मैं कहां गया था फेलियर में ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन उसमें अचानक क्या हुआ एक दिन कि अभी तक जो करंट लेते थे पिछली बार जो एएमसी में जितना करंट था उससे अचानक ज्यादा करंट हो गया। जैसे मान लो वो सर्किट जो था, जैसे मान लो बीपीएससी कोई था, वो अभी तक 3 एम्पियर का करंट लेता था, अगले विजिट में जब हमने करंट देखा तो वो बढ़ के 5 एम्पियर हो गया अचानक। तो जाहिर सी बात है इक्विपमेंट तो सेम है, वो 5 एम्पियर क्यों हो गया, तो उसमें पता चला फिर अर्थ फॉल्ट करंट के, मतलब केवल फॉल्ट की वजह से वो करंट ज्यादा लेने लगा था। तो ये सब मेंटेनेंस में अपने को ध्यान में रखना है कि पिछली बार कितना था रीडिंग, इस बार अचानक बढ़ क्यों गया। अगर बढ़ गया तो उसका कारण होना चाहिए, अगर विदाउट कारण बन रहा है तो आपको कारण ढूंढना होगा। ठीक है, तो शेयरिंग वाला बात आप हमेशा याद रखना, और कभी भी करंट अगर इंक्रीज हो रहा है किसी सर्किट का तो वोल्टेज से ज्यादा रिलायबल पैरामीटर करंट है, कि करंट कितना था और कितना है अभी। ठीक है, बाकी बैटरियों के टर्मिनल साफ करने इसमें तो कुछ है नहीं, क्योंकि और गैसिंग के लिए आपको हमेशा, और ओवर चार्जिंग एक इशू आता है ओवर चार्जिंग ऑफ बैटरी में, कभी भी बैटरी को आप चार्ज करते रहो उसको लोड पे डालना जरूरी है। मान लो कहीं 80 जा नहीं रही है और लोड करंट उतना है नहीं, तो उस केस में ओवर चार्जिंग हो जाती है, उससे बचना है। लो मेंटेनेंस आजकल तो आ रहे हैं बैटरी के, वैसे बाकी तो वैसा मेंटेनेंस में ये है कुछ थोड़ा सा कि डू नॉट टेक प्लग। कभी भी कोई भी मॉड्यूल अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले उसको स्विच ऑफ करो, तब उसका कोई भी कनेक्टर आप निकालो, क्योंकि अचानक चलते में आप उसको खींचोगे तो वो दिक्कत है। बाकी वैसे डीसी डीसी कन्वर्टर में कुछ है नहीं।
जो हमने था मेन वो बता दिया। और कोई सवाल अगर किसी का हो तो पूछ ले, क्योंकि टाइम कितना है रह गया है अभी, चलो अभी तो आधा घंटा टाइम है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो यार। और हम हाँ सर एक क्वेश्चन है, ये बरसात के समय में सिंगलिंग केबल का सबसे कम इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना मेगा ओम होगा साहब? हाँ ये कहीं डिफाइन नहीं है, ठीक है, ये बहुत डिपेंड करेगा आप ये किस केबल का, जैसे कितनी लंबी दूर। हाँ उसमें ऑप्शन दे रखे हैं सर, जो ये 100, 50, 10, 1 ओम में या मेगा ओम में? मेगा ओम। ऐसा कहीं भी आज तक अगर क्वेश्चन ऐसा है तब तो उसका देखना पड़ेगा, लेकिन कहीं भी एग्जाम में 2020 में। अच्छा कहीं भी ऐसा मैनुअल में तो एटलीस्ट स्पेसिफाई नहीं है कि बरसात के टाइम में उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए केबल का, ठीक है। फिर भी वैसे अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं तो 10 ऑप्शन क्या क्या बताया फिर से बताना। 10 मेगा ओम, 10 मेगा ओम और 1 मेगा ओम। 1 मेगा ओम नहीं, 10 मेगा ओम इसमें मिनिमम चलेगा, 1 मेगा ओम पे तो सर्किट नहीं चलेगा। तो इसका आंसर वैसे अगर हम होते तो यार 10 मेगा ओम मारते, लेकिन उसमें आंसर क्या दिया है, कुछ है आइडिया? आंसर नहीं दिया है सर, जो 50 पे टिक मारा है वैसे जो, लेकिन वो सही कैसे करें ये सही है। अच्छा तो वही, क्योंकि इसका मैनुअल में कहीं नहीं दिया है, ये तो विवादित क्वेश्चन हो जाएगा फिर, क्योंकि मैनुअल में कहीं लिखा नहीं है ऐसा कि कितना होना चाहिए। प्रैक्टिकली अगर बरसात में 10 है तो वो चल जाएगा, उससे कम है तब तो उसको फॉल्टी ही मानेंगे हम। अच्छा एक क्वेश्चन ये है सर, जो जैसे रिले रूम से अपन ने बिना रिपीटर रिले के डायरेक्ट सप्लाई है जो, जैसे अपन ने जो सिग्नल को दे सकते हैं, कितनी दूरी तक दे सकते हैं? हाँ ये तो डायरेक्ट फीडिंग का क्वेश्चन है कि मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, ठीक है। आप कितनी लेंथ, इसमें ऑप्शन ऑप्शन क्या क्या था इसका? तो 220, 250 और 200 से ऊपर ही थे सर। वैसे मैंने एक जगह 220 पढ़ा था सर, 220 ही है इसमें जो है ना, उसमें मिल जाएगा आपको, कोई कंफ्यूजन हो ना तो इसमें ईरीसेट का जो बुक है ना बेसिक S1 220 है, लेकिन उसमें आंसर सब 250 था, 250 भी नहीं, 220 भी था नहीं, तो 220 हमको जहां तक याद है कैलकुलेशन से वो 220 ही आता है। हमने भी यही पढ़ा था सर 200 से जो, लेकिन उसमें 250 पे आंसर लग रहा है, 250 भी था उसमें। अच्छा नहीं तो वो तो आप क्लेम कर सकते हो, क्योंकि 200 ACM में आप चेक कर लेना, ACM में चैप्टर जो है ना उसमें मिल जाएगा, नहीं तो अब ACM अभी मेरे पास तो है, हम खोल के चेक कर सकते हैं, हम चेक करके मैसेज कर देंगे, ठीक है, ACM का हम रेफरेंस डाल देंगे। वैसे डायरेक्ट फीडिंग का 220 हमको भी याद है, ठीक है, ठीक है, तो उसको कुछ नहीं है, तो ACM में चेक कर लेना, ACM में डायरेक्ट फीडिंग का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आरी वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर पहले तो 25 था, अब हमको याद नहीं है, आरी वाला जो है ना चैप्टर, सबसे लास्ट चैप्टर है ACM का, ठीक है, उसमें मिल जाएगा आसानी से, तो आप तो वहां से लो रेफरेंस, कभी गलत नहीं होगा। वैसे हमको अभी तो फिलहाल तो हमको भी 220 याद आ रहा है डायरेक्ट फीडिंग, उसका कैलकुलेशन ऐसे है ना कि जैसे OHE का जो इंडक्शन है वो 10 वोल्ट पर वो मीटर के हिसाब से होते हैं, पर किलोमीटर के हिसाब से, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि जो मेरा रिले है वो कितने वोल्ट में पिकअप हो जाएगा, तो वो पूरा कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन से हमको याद है कि 220 ही आता है। और IPS में जो आज हमने बताया उसमें कुछ हो तो बता दो। AT ट्रांसफार्मर में एक क्वेश्चन आता है जनरली, ये एक्जुलरी वायर का कहाँ गया, हाँ ये वाला है, ये IPS से ही रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर कितनी कैपेसिटी का वो मेरा लगा हुआ है तो उसके लिए कितने कैपेसिटी का एल्युमिनियम वायर से हम वो AT से सप्लाई लाएंगे, ठीक है। आजकल जनरली 25 KVA के ट्रांसफार्मर आजकल यूज होने लगे हैं 6 to 10 रोड स्टेशन, चूंकि थर्ड लाइन बनने के बाद सारे स्टेशन बड़े बड़े होते जा रहे हैं 6 to 10 रोड स्टेशन के, तो
तो आपको उसमें यह भी ध्यान रखना है कि ओएची जो हो ना, ओएची वाला जो ट्रांसफार्मर है, एटी ट्रांसफार्मर, वो 25 केवीए का होना चाहिए, और 3 से 4 रोड स्टेशन के लिए 10 केवीए का हुआ करता था। उस केस में जो अल्मोनियम वायर जिससे हम सप्लाई लाएंगे एटी से अपना सीएलएस पैनल तक, उसका ये स्क्वायर कितने स्क्वायर एमएम का होना चाहिए वो कभी कभी पूछे जाते हैं। तो ये दो आप याद रख लो, जो कि दो आपके यहाँ यूज होते हैं। 10 केवीए अगर रहेगा तो 70 स्क्वायर एमएम वाले, अगर 25 केवीए है तो 185 स्क्वायर एमएम वाले केवल यूज होंगे, और जहां पे 50 केवीए का यूज होगा वहां पे 300 स्क्वायर एमएम का। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट स्लाइड था इसलिए हमने वो याद दिला दिया। तो वो बाकी इंस्टॉलेशन है, ये अगर डिटेल किसी को देखना है तो इसमें ये लोड जो कैलकुलेशन है इस चैप्टर में दिया हुआ है, आईएएस वाले जो S9 बुक है उसमें। ठीक है, लोड कैलकुलेशन जो इनिशियल इंस्टॉलेशन जब होता है वहां का वो केस है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड मॉड्यूल कितना यूज होता है वो आप देख लो थोड़ा, ये बहुत ध्यान देखने का। जैसे इन्वर्टर जनरली 1 केवीए का होता है, 1.5 केवीए का होता है, 2 केवीए का होता है और 3 केवीए का होता है। एवीआर कितने का होता है, ट्रांसफार्मर कितने कितने का होता है, यह स्टैंडर्ड है। इसमें से आपको जो यूज करना है जिस कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हो। जैसे हमने बताया था कि ट्रांसफार्मर हम लोग जनरली 500 VA का यूज करते हैं, लेकिन जहां पे भी गेट है यार्ड में और अगर उसकी सप्लाई हम लोग अलग ट्रांसफार्मर से ना देके इन्वर्टर पे लोड डाल रहे हैं तो उस केस में जो ट्रांसफार्मर है वो 1 KVA का हो जाना चाहिए। ये बाकी उसका लोड कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं उसका डिटेल है। किसी के यहाँ ये अर्बन के वो लगे हैं PLD? ठीक है, मेरे पास IPS का जो प्रेजेंटेशन था मैंने वो बता दिया। कुछ और क्वेश्चन हो तो आप लोग ग्रुप में भी डाल सकते हो, कुछ वैसा वो हो तो बाद में भी मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और ये S9 पावर सप्लाई का बुक सबके पास है? नहीं है सर, आप ग्रुप में सेंड कर देना। हाँ ठीक है, ये लेटेस्ट वाला नया वर्जन आया है IPS का, मतलब ये इरीसेट का नया बुक है। ठीक है, पावर सप्लाई पर फॉर सिग्नलिंग S9 करके। ठीक है, और इसमें वैसे मैंने जितना भी बताया है वो ठीक है, वो मैं जितना है वो लेटेस्ट वाला है, इसमें सेम वही चीज लगभग ऑलमोस्ट मिलेगा। और हाँ, ये बैटरी का लाइफ वाला सबको पता है कितना हो गया है नए में? 4 साल। और LMLA की? LMLA ये है ना, और हाँ मतलब दोनों बैटरियों का अलग अलग है। ठीक है, 4 साल और 5 साल। ठीक है, ठीक है, तो बंद करते हैं बाकी कोई सर। कुछ क्वेश्चन डाल देना सर, जैसे IPS रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डाल देना। क्वेश्चन है मेरे पास, अभी हम खोल भी लेते हैं, डिस्कस कर लो। आगे बात बहुत मुक्त आप लो, ये लो क्वेश्चन है IPS पे, ये वाला हम भेज देंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज ये क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, इसमें किसी को वैसे आंसर मेरे ख्याल से है कि नहीं, हम देख लेते हैं, हमको ध्यान नहीं है इसमें आंसर। नहीं, आंसर नहीं है तो इसको सॉल्व कर लेना। दिए
नहीं आंसर है सर नीचे, साथ ही साथ में, साथ ही साथ ये प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे। हाँ है ना, तो ये वाला पढ़ लेना, जिसके पास ना हो हम भेज देंगे ग्रुप में, ठीक है। ये इरी सेट के एक्चुअली जितने वो है ना, वो ये कलेक्शन है मेरे पास वर्ड में, इरी सेट के बुक में जितने क्वेश्चन थे ना वो है, ठीक है। ये जैसे लोड कैलकुलेशन से क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, उसी तरह आईपीएस वाला भी है। तो ये देखो जैसे 80 वाला हम जो अभी बताए थे वो क्वेश्चन है, तो इसमें सारे क्वेश्चन इस बुक के लगभग, और ये लगभग मतलब अगर ये आप पूरा कर लो तो बहुत कम चांस है कि आपको कोई क्वेश्चन आईपीएस से कम छूटेगा नहीं। जैसे देख लो इसमें क्वेश्चन है इन आईपी बोथ इन्वर्टर फेल, लोड किस पे जाएगा, जाहिर सी बात है सीबीटी पे जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन होंगे टाइप थ्री, टाइप थ्री सर्ज प्रोटेक्शन, एक्चुअली इसमें टाइप सी लिखना था, तो वो है कि सर्ज प्रोटेक्शन कहाँ प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, ठीक है। द लोड इज नॉट कॉन्फिगर्ड इन आईपीएस, एएफटीसी का लोड उसमें कॉन्फिगर नहीं होता है, एएफटीसी को अलग से सप्लाई हमको देना, एएफटीसी है वो ट्रैक सर्किट है, ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रैक सर्किट जो हमारे यहाँ यूज में नहीं है झांसी डिवीजन, इलाहाबाद डिवीजन में है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि द बैटरी सप्लाई टू इन्वर्टर इन आईपीएस सेल भी डिस्कनेक्टेड है, कितना परसेंट पे हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये भी हम अभी ग्रुप में डाल देते हैं।